कर देंगे। हरे कृष्णा जो बातों के बीच में पकड़ कर खड़े कर देंगे बीच में। हरे कृष्णा हरि बोल प्रत्येक दर्शकों। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पञ्चाकल्पगर्भस्य कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानलम्बितभुजौ कनकापदाकौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमस्ते। सप्तकाञ्चनगौराङ्गी तं स्वरूपं जन प्रवजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनदुरहकाचर आजुभाव पुत्रीति तन्मयतयातरभोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान तस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृन्द सभी को हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक बार जोर से बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमात भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णम विष्णुपाद अष्टोदर शत श्री श्री श्रीमात भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोजन श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत कथा की महिमा को। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, अगर किसी ग्रंथ की महिमा को समझना चाहते हो तो ग्रंथ के ऊपर में चार विषय पर विचार करनी चाहिए। कहते पहला नंबर है ये भागवत कथा सुनने का अधिकारी है, मतलब ये कथा को कौन सुन सकता है। लेकिन श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बोले जन्मांतरे पुण्यम तथा भागवतम लभ्यम। कहते कथा को वही सुन सकते हैं जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म की कोई पुण्य उदय हो, तभी ये कथा कोई सुन सकते हैं।
लेकिन कोई प्रश्न करे, हमने तो पूर्व जन्म में कोई पुण्य ही नहीं किया, हमें तो पापी लाभ दिया, हम तो बहुत बड़े पापी, क्या करिए, कथा को नहीं सुन सकते हैं। लेकिन गतकल्ले हम लोग ने श्रवण किया था धुंधुकारी की कथा की। ये धुंधुकारी इतना बड़ा पापी था, जिसने अपना पिताजी को इतने सताया, पिताजी घर छोड़कर भाग गए। फिर दिन भर कुत्ते को साथ में रहा करता था और किसी बच्चे को कुएं के पास में खेलते हुए देखे तो धक्का मार कर कुएं में गिरा देता था। छह बच्चियों को बुला करके रखा, मैया को इतने सताया मैया को, लास्ट में मैया भी कुएं में छलांग लगा करके आत्महत्या कर दी। फिर उसने प्रेत जनी को प्राप्त किया। फिर जब जा करके उसको नाम पर गया में पिंड दिया, गया में भगवान का चरण चिन्ह है, भगवान का वरदान है। एक बार कोई गया में आए अपना पितृ पुरुष को उद्देश्य में, कोई अगर पिंड दे देना उसको उधार हो जाएगा, पाप से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब गोकर्ण ने पिंड दान करके फिर घर में आया, क्या देखा, धुंधुकारी फिर प्रेत बनकर घर में बैठा। बोले तेरे नाम पर गया में पिंड दिया, तेरे को मुक्ति नहीं मिली। बोले भैया मैंने इतना पाप किया है, मेरे नाम पर एक बार क्यों पिंड दो, 100 बार भी पिंड दोगे मेरी मुक्ति नहीं होने वाला, मैंने इतना पाप किया है। लेकिन इतने बड़े पापी को मुक्ति मिली कैसे, जब इनके नाम पर भागवत कथा रखवाया। केवल ये भागवत कथा नहीं, और उसने 7 दिन में 7 गांठ हट गई, और उसने बड़े सुंदर भगवान की भक्त रूप चतुर्भुज धारण करते हुए उसने प्रकट हुआ, और वैकुंठ से रथ आया, और रथ में बैठ करके सीधा भगवान का धाम में चले गए। यहाँ शिक्षा देते हैं, ये कथा को कौन सुन सकता है, कहता अगर पापी से पापी क्यों नहीं हो, एक बार आए और ये कथा में बैठ जाए, और कुछ करने का तुम्हें जरूरत नहीं, केवल कथा में बैठ जाओ तो कथा सुनते 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 तुम्हारी सारे पाप नष्ट हो जाएगी, और एक दिन हम सारे पाप से मुक्त होकर के भगवान के धाम को हम प्राप्त करेंगे। बोले श्रीमद् भागवत कथा मृतमुखी जय। कहते पापी से पापी भी सुन सकता है। अगर कोई बोले अरे हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम सब जानता हूँ, हमें सब कथा पता सुनने का कोई जरूरत नहीं, ये सुनी सुनाई कथा को कितना बार सुनेंगे। इसके लिए उदाहरण देते हैं, हम श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे इतने बड़े ज्ञानी नहीं हैं। ये सुखदेव गोस्वामी इतने बड़े ज्ञानी थे जो कि माँ की पेट में तो 16 साल तक रहे, पेट से तो निकलना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन निकले तो उन्होंने क्या किया, बोले जम प्रभजन तम अनुपेत मपेत कृतम, जिनकी अभी उपनयन संस्कार भी नहीं हुई, जिन्होंने संन्यास लेकर के जंगल में चली गई, गत परिनिष्ठ्यपिंडिगुण्य ऊतम श्लोक लीलया, वो इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी थे, गते ब्रह्म में वो परिनिष्ठित थे, परम ब्रह्म ज्ञानी। लेकिन ये भागवत कथा की इतने महिमा, जब केवल उनको कान में एक श्लोक पड़ा, एक श्लोक सुनते ही श्री सुखदेव गोस्वामी को दीवाना हो गया, और उन्हें सारे ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके वो निकल करके आगे आ करके उन्होंने पूरी की पूरी भागवत कथा को उन्होंने श्रवण किया है। इसलिए कहते कथा को सुनने का अधिकारी कौन है, बोले जितने बड़े से बड़े ज्ञानी क्यों नहीं हो, वो भी ये भागवत कथा को सुन सकते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले राम कथा जय सुना ता अघाई, राम कथा जय सुना ता अघाई, कृष्ण कथा जय सुना ता अघाई, कृष्ण कथा जय सुना।
अगर कोई बोलता है हरे कथा सुनते सुनते तो हम बोर हो गए, कितने हम सुनी सुनाई कथा को सुनेंगे, तब गोस्वामी जी कहते हैं इसका मतलब ये समझो वो भक्ति रस क्या उसको चीज में पता ही नहीं है, क्योंकि कथा को जितना सुनो ना। इसलिए भगवान कृष्ण से नारद ने दो बार उन्होंने मांगा था, पहले पहला बार था प्रभु तुम्हारी कथा सुन करके जैसे जिसको तृप्ति नहीं हो, मतलब क्या जितने कथा सुने ऐसे लगे जैसा मैंने कभी कथा सुनी जीवन में, पहला बार मैं कथा सुन सुनला। आप लोगों ने हनुमान जी का नाम सुने हो, सुने कि नहीं, कौन कौन जानते हो हनुमान जी को, सब जानते हो। इसलिए कहते जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तन, इसलिए जहाँ जहाँ पर भगवान राम की कथा होना, अगर करोड़ों जगह में प्रभु राम की कथा होती होगी, हनुमान जी करोड़ रूप धारण करते हुए और कथा में जाकर कथा सुनते हैं, कथा को क्या बीच में ना बाद में जाते हैं, बोले कथा शुरू होने से पहले मैं इसको खोलो, तुमको खोलना नहीं आता है। इसलिए कहते कथा सुनने से प्रारंभ होने से पहले ही हनुमत लाल जी आते हैं। आप देखना कहीं भी भगवान राम की कथा है ना, सबसे पहले हनुमान जी का फोटो वहाँ लगता है, क्योंकि राम कथा का सबसे जो बड़ा रसिया कौन है, श्री हनुमत लाल है। और ऐसे जाकर बैठेंगे नहीं, पहले जाकर के जहाँ कथा होती होगी पहले ये कथा स्थान को प्रणाम करेंगे, कथा जो सुनने वालों को प्रणाम करेंगे, कथा बोलने वालों को प्रणाम करेंगे। कथा कैसे सुनते हैं, हाथ जोड़ करके आंखों से आंसू बहाते हुए और उनको सारा शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कथा सुनते सुनते, एकदम विभोर होकर के श्री हनुमान की कथा सुनते हैं। और जब कथा समाप्त हो जाता है, जब सबके सब चले जाए, वहाँ का चरण धूल लेकर के सबको प्रणाम करते हुए श्री हनुमान जी तभी वहाँ से जाते हैं। इसलिए भगवान की कथा जितना बार सुनो, लेकिन क्या लगेगा जीवन में, जैसे सबसे पहला हमने कथा सुन रहे हैं, कभी जिंदगी में हमें कथा सुनी नहीं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान बलिदान मांगे, बोले प्रभु तुम्हारी कथा सुन करके जैसे हमारी अरुचि नहीं हो, जब जब सुने तब तक हमें नई नई लगे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय कभी ये कथा सुनने का अधिकारी, सब कथा सुनने की अधिकारी। बोले भागवत में कहते कथा की विषय क्या है, बोले कोई साधारण बात कथा में नहीं, बोले क्या है, बोले आराध्य भगवान ब्रजेश स्तनय तथा वृंदावनम रम्या काचिद उपासना कल्पिता। बोले भागवत में भगवान कृष्ण की कथा भागवत में, साधारण कथा इसमें नहीं, जो कौन सा कृष्ण है, जो वृंदावन बिहारी हैं, बोलो गोपी जन वल्लभ यशोदा नंदन, ये जो भगवान कृष्ण की कथा भागवत में इनकी कथा है। बोले उनकी भक्ति कैसे करनी चाहिए, बोले यद्यपि उनकी भक्ति सब भक्तों ने उनका भक्ति की है, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ रूप में उनको जो भक्ति करने वाले कभी ये ब्रज की जो गोपियाँ हैं, इन लोगों ने जैसे कृष्ण को भक्ति की ऐसे और किसी ने भक्ति नहीं की। इसलिए उद्धव जी जब उन्होंने ब्रज में, श्री उद्धव जी आते ही जो उन्होंने ब्रजवासियों को प्रेम को उन्होंने देखा, पीछे जो बच्चे बातें कर रहे हैं उदम मचा रहे हैं, इनको रोकिए भैया थोड़ा बहुत, कथा में व्यवधान बहुत बुरा है, इसलिए उद्धव जी जब श्री राधा रानी के प्रेम को उद्धव जी दर्शन किया
कहते ना उत्साह शुद्ध है गयो सुनी गोपियों की बोल और ज्ञान बजाई दुगदुग की बाजे प्रेम की। इसलिए जिनकी प्रेम को देख कर के उद्धव जैसे व्यक्ति, उद्धव कौन है जिसके लिए कृष्ण स्वयं कहते हैं बोले ना तथा में प्रियतम आत्म ज्योनीर न शंकर। कहते हैं उद्धव तू मेरे जितने प्रिय है ना, कहते मेरे जो बेटा जो ब्रह्मा वो भी इतना मेरे प्यारा नहीं। बोले ब्रह्मा जी की बात छोड़ दो, कहते जो भोले बाबा श्री शंकर जी जिसके लिए कहते हैं हरिहर एक आत्मा, कहते ये शंकर भी उतना मेरे प्रिय नहीं है। बोले शंकर जी की बात छोड़ दो, मेरी जो अर्धागिनी जो लक्ष्मी, कभी ये लक्ष्मी भी इतना मेरी प्रिय नहीं। बोले लक्ष्मी की बात छोड़ दो, कहते मेरे जो अभिन्न स्वरूप श्री दाऊ भैया श्री बलदेव प्रभु भी मेरे इतना प्रिय नहीं। कहते बलदेव की बात छोड़ दो, मेरे जो आत्मा भी इतना प्रिय नहीं है उद्धव तू मेरी जितने प्रिय हो, इतने प्रिय उद्धव जी हैं। इसलिए कहते वृष्णि नाम प्रवर मंत्र कृष्णस्य दयित सखा। उद्धव इतने बुद्धिमान थे, अगर कृष्ण को अगर कुछ करना हो ना, ये उद्धव जी से कृष्ण परामर्श लेते तो उद्धव बताओ अभी मुझे क्या करनी चाहिए तुम बता, मतलब इतने बड़े उद्धव जी भगवान की भक्त हैं। लेकिन ऐसे उद्धव जैसे व्यक्ति कहते वो क्या चाहते हैं, लेकिन वो कहते मेरे क्या ऐसे सौभाग्य होगा। बोले क्या सौभाग्य, बोले ब्रज में ये घास भूसा होकर के लता पता होकर के यहाँ की औसत वृक्ष रूप में अगर मेरा जन्म हो जाए, गोपियों की अगर चरण धूलि मेरे सर के ऊपर पड़े, मेरे जीवन धन्य हो जाएगा। उद्धव जैसे व्यक्ति ऐसे कहते हैं, लेकिन उद्धव जैसे व्यक्ति क्या चाहते हैं, गोपियों की चरण की धूल राधा जी की चरण की एक धूल को उद्धव जी वंदना करते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसलिए भागवत में जो भक्ति है बड़ी हाई फाई भक्ति भागवत में साधारण विषय वस्तु नहीं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में तब जो तृतीय जो वस्तु है कहते हमारी प्रयोजन क्या है, कहते प्रेम ही हमारी प्रयोजन है, हमारा कृष्ण प्रयोजन नहीं, हमारा प्रेम प्रयोजन। प्रेम प्रयोजन मतलब क्या है, हमें भगवान की भक्ति चाहिए, ठाकुर जी की हमें प्रेम चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रेम धन बिना मेर दरिद्र जीवन। अगर हमारे हृदय में ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं है ना, कहते सबसे बड़े गरीब कौन है, बोले जिसके हृदय में ठाकुर जी का प्रति प्रेम नहीं। बोले जगत में सबसे बड़ा धनी कौन है, बोले जिसके हृदय में ठाकुर का प्रति प्रेम नहीं वो जगत में सबसे बड़े धनी वही है। इसलिए हमारी जो प्रयोजन है हमारे श्री प्रेम प्रयोजन है। इसलिए गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भागवत कथा की महिमा सुन रहे थे। कहते ये जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है कहते इसमें चार अक्षर है। बोले कौन सा अक्षर, बोले भा ग ब और त। कहते ये चार अक्षर में मानो ये भागवत है क्या चीज, ये चार अक्षर में ही विद्यमान है। बोले भागवत का तात्पर्य क्या है, बोले भाति सर्वेषु लोकेषु, उसको बात में बोले गीयते नारदादि, बोले बामे बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, बोले तामे बोले तरणी च भवार्णवा। यदि इसका पहला अक्षर भा, बोले भा मतलब क्या, बोले भा मतलब होता है जिसका प्रकाश जिसका ज्योति। कहते भागवती की इतना प्रकाश है जिसकी प्रकाश केवल भारत भूमि में नहीं, केवल भारत भूमि में नहीं
केवल हम ही कथा सुन रहे हैं ये बात नहीं, ये कथा तो कौन सुनते हैं? बोले स्वर्ग के देवता लोग भी कथा सुनते हैं। कहते केवल देवता लोग नहीं, इसलिए स्कंध पुराण में आता है जिस समय वाक्य बिहारी भगवान कृष्ण ये विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने सृष्टि की, सर्वप्रथम उन्होंने तीन देवता को प्रकट किया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को बोले तुम्हारी काम जगत का सृष्टि करना, शंकर जी को बोले तुम्हारी काम जगत का संहार करना, और इन्होंने भगवान विष्णु को बोले तुम्हारे काम जगत का पालन करना। इतने में ब्रह्मा जी आए, बोले प्रभु आपका आशीर्वाद से तो जगत को मैं सृष्टि कर सकता हूँ, लेकिन जो सृष्टि का काम है ये रजोगुण का काम, अब ये रजोगुण से मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा जी, अगर तुम 7 दिन तक ये भागवत कथा सुनोगे, ये भागवत का आशीर्वाद से ही जगत का सृष्टि भी कर पाओगे और ये रजोगुण से भी तेरे को मुक्ति मिलेगी। इतने में भगवान नारायण आए, बोले प्रभु ये दुनिया को तो आपका आशीर्वाद से मैं पालन कर सकता हूँ, लेकिन ये लक्ष्मी को कैसे पालन करूँगा? बोले नारायण आप भी कथा सुना और सुना, इसलिए जब नारायण कथा सुनाते हैं माँ लक्ष्मी सामने बैठ कर कथा सुनती है। कौन सुनती है? लक्ष्मी की कथा सुनती है, हैं? और जब लक्ष्मी कथा कहती है कथा कौन सुनते हैं? नारायण कथा सुनते हैं। देखो ऐसे नहीं केवल पुरुष लोग ही कथा करते हैं, माताएं भी कथा करती हैं, माँ भी कथा करती हैं, और कौन सुनते हैं? नारायण भी, नहीं ज्यादा ही को नहीं, इसलिए नारायण भी कथा सुनते हैं, लक्ष्मी भी कथा सुनाती हैं। लेकिन नारायण जब कथा सुनाते हैं ये कथा को 1 महीना में कथा को विश्राम देते हैं, लेकिन जब माँ लक्ष्मी कथा सुनाती है ना 2 महीने, मतलब नारायण जितने सुंदर कथा सुनाते हैं, कहते माँ लक्ष्मी जब कथा सुनाती हैं उससे सुंदर कथा सुनाती हैं, और अच्छे तरह से व्याख्या करते हुए उन्होंने ये कथा सुनाती है। अभी शंकर जी आए, बोले प्रभु ये जो संहार का काम है ये तमोगुण का काम है, आप बताओ फिर ये तमोगुण से मेरी मुक्ति कैसे होगी? बोले श्री भोले बाबा आप भी कथा सुना और कथा सुनाओ। इसलिए शंकर जब कथा सुनाते हैं माँ पार्वती बैठ कर सुनती है। शंकर जी कितना दिन कथा पूरी करते हैं? हम तो 7 दिन तक सुनाएंगे। शंकर जी वैष्णवानाम कथा संभु, मतलब भगवान के सबसे जो प्यारे भक्त है कौन है? श्री भोले बाबा। बोलो श्री भोले बाबा की। और ये कथा को सर्वप्रथम कौन किसको सुनाए? बोलो अमरनाथ में कल सुन रहे थे ना, अमरनाथ में शंकर जी सबसे पहले पार्वती को ये कथा सुनाए, इसलिए शंकर जी ये परम वैष्णव श्री ये भोले बाबा जब ये कथा सुनाते हैं इतने सुंदर व्याख्या करते हैं शंकर जी, उनको कथा पूरी करने में 1 साल लग जाती है। कितना दिन लगता है? 1 साल कथा सुनाते हैं। फिर माता पार्वती कथा सुनाती, शंकर जी बैठ करके कथा सुनते हैं, तो माता पार्वती कितना दिन में पूरी कथा करती हैं? कहते 2 साल। कितने? मतलब शंकर जी कितने सुंदर व्याख्या करते हैं, जब पार्वती का कथा सुनाती है ना उनसे भी सुंदर कथा सुनाती हैं, और 2 साल में ये कथा को उन्होंने ये पूरी करती हैं। देखो ये कथा की कितने महत्व है, ये कथा की प्रभाव से शंकर जी जगत को संहार करते हैं, ब्रह्मा जी जगत को सृष्टि करते हैं, और नारायण जगत को पालन करते हैं। इसलिए इसका पहला अक्षर है कहते भा। भा मतलब होता है, माता जी पानी मत दो, चुपचाप बैठ कर कथा सुनो, बैठ कर कथा सुनो। इसलिए कहते पहला अक्षर है भा। भा मतलब होता है प्रकाश, जिसकी प्रकाश विश्व ब्रह्मांड में जिसकी प्रकाश है। बोले भाति सर्वेशु लोकेशु, बोले ग बोले गीयते नारदादि भी। बोले ये कथा को गान करने वाले कौन है?
बोले साधारण व्यक्ति नहीं, इसका एक भागवत जो एक अर्थ है, भागवत मतलब क्या होता है? बोले भगवत प्रथम इति भागवतम, ये सर्वप्रथम भागवत कौन किसको सुनाया पढ़ाया? कहते सर्वप्रथम भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को ये चतुर्श्लोक रूप में ये भागवत ग्रंथ प्रदान किया। सबसे पहले भगवान के मुंह से ये कथा निकली। इसलिए गा मतलब है जिसको गान करते, कौन गान करते हैं? भगवान स्वयं भगवान भी गान करते हैं। जिसको ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा भी गान किए, ब्रह्मा जी गान करके नारद जी को सुनाए, नारद जी गान किया तो व्यास देव जी सुने, व्यास देव जी सुने कथा सुनाया तो श्री सुखदेव गोस्वामी को, सुखदेव कथा सुनाया तो परीक्षित को, सुत गोस्वामी को दिए, सुत गोस्वामी ने सौनक आदियों को दिए और सौनक आदि ऋषियों ने अपना शिष्यों को दिया और करते 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 ये भागवत हमारी गुरु जी को पास में आई और गुरु जी ने सुनाया तो हम सुने गुरु जी से। इसलिए ये कथा कहाँ से आ रही है? भगवान से। धीरे 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 ठाकुर जी सर्वप्रथम ज्ञान को प्रदान किया। इसलिए ग मतलब होता है जिन कथाओं को बड़े बड़े देवता लोग भी गान करते हैं, बड़े बड़े ऋषि लोग जिसको गान करते हैं। बोले ब बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु, यदि ये भागवत की जो महिमा है साधारण नहीं, भागवत की महिमा तो जितने ग्रंथ में, इसलिए गरुड़ पुराण में बताए, बोले अर्थ अयम ब्रह्म सूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूप सौ वेदार्थ परिवृणित। तो जितने वेद पुराण इतिहास है, कहते उसका जो निचोड़ है ये श्रीमद् भागवत। अगर ये भागवत कथा कोई सुन लिया ना, बोले तत् रसा मृतस्य तृप्तस्य, अगर भागवत रस को अगर कोई पान कर लिया तो उसको और किसी चीज की पान करने की रह नहीं जाता, वो एकदम तृप्त हो जाता है, हैं? इसलिए श्री व्यास देव ने जब उनने सारी ग्रंथों को उन्होंने रचना की, लेकिन उनको मन को शांति नहीं मिली। लेकिन शांति कब मिली? जब उन्होंने ये भागवत ग्रंथ को रचना की तब उनको शांति मिली। शिक्षा देते हैं हमें भी जीवन में शांति कब मिलेगा? जब कथा सुनोगे, जब भागवत कथा सुनेंगे हमें भी जीवन में शांति तभी मिलेगा जब ये भागवत कथा को हम श्रवण करेंगे। इसलिए कहते जितने ग्रंथों में जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ। बोले श्रीमद् भागवत कथामृतम की जय, जोर से जयकार लगाओ। बोले श्रीमद् भागवत कथामृतम की जय। इसलिए बोले वरिष्ठ सर्वशास्त्रेषु बोले तरणी च भवार्णव, मतलब है अगर ये संसार से कोई पार होना चाहते हैं, संसार से मतलब संसार में जितने दुख कष्ट हैं, अगर ये दुख कष्ट से अगर कोई निकलना चाहते हैं उनको क्या करनी चाहिए? बोले ये भागवत कथा को सुन लो। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को क्या बोले? बोले कोई चिंता मत कर, तेरे को डर है ना, 7 दिन में तक्षक तेरे को काटेगा, कोई चिंता मत कर, बैठो यहाँ पर, बैठ करके केवल भागवत कथा को सुना। हर कथा सुनते 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 जब तक तुमको ये अनुभूति नहीं हो जाएगी हम ये संसार से पार होकर के ठाकुर जी की चरण में पहुंच गए, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी तुम्हें करने का जरूरत नहीं, केवल यहाँ बैठ बैठ करके केवल कथा ही सुनो। आप बोले कथा सुनने से हो जाएगा? बोले कथा सुनने से ही हो जाएगा। इसलिए कहते कथा में बैठना मतलब क्या है? ठाकुर जी का गोद में बैठे हो, बांके बिहारी की गोद में बैठे हो, कथा नहीं सुन रहे हो, ठाकुर जी गोद में हम बैठे हैं जो कथा सुनते हैं। इसलिए बंगला में एक कहावत है, हरि कथाए, बोलो हरि कहाँ है? बोलो हरि कथाए, हरि और कहीं नहीं, जहाँ कथा हो रही ना वहीं पर ठाकुर जी बांके बिहारी वहीं पर रह रहे हैं जहाँ पर उनकी कथा हो रही है, और ठाकुर जी कहीं नहीं। इसलिए ठाकुर जी क्या कहते हैं? बोले मद्भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारद। बोले हे नारद,
मैं बैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं योगियों का हृदय में नहीं रहता हूँ। कहाँ रहते हो? बोले जहाँ पर मेरी कथा हो, जहाँ मेरी कथा हो रही है मैं वहीं रहता हूँ। इसलिए कहते तरणी च भवान नवा, ये जो कथा नहीं कहते भवसागर से पार होने के लिए एक सुंदर ये नाव है। कथा नहीं सुन रहे हो, वो नाव में बैठ करके संसार को तुम पार हो रहे हो, और कथा सुनते सुनते जब आँख खुलेगा ना देखोगे कहाँ पहुँच गए, ठाकुर जी की चरण में पहुँच गए हो। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, इसलिए हम गत गल्य श्रवण कर रहे थे जब श्री गोकर ने भी कथा सुनाई, लेकिन कथा में जितने लोग बैठे हुए थे सभी के लिए एक एक रथ आया और सबको रथ में बैठ करके ठाकुर जी को पास में चले गए। लेकिन कब जाएंगे भगवान को पास में? जब ये कथा को एक मन से सुनेंगे। इसलिए बोले जो कथा जो श्रोता हैं कहते कथा सुननी कैसे चाहिए? बोले श्रोता दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं? कितना तरह के हैं बोलो? तो दो तरह के हैं। एक कथा श्रोता तो जो बढ़िया श्रोता है, जो बढ़िया से सुनता है, जिसको श्रेष्ठ श्रोता बताया, और एक श्रोता को अबर मतलब कनिष्ठ साधारण श्रोता बताया। कहते जो अच्छे श्रोता हैं कहते ये पांच तरह के हैं। कितने तरह के हैं? आज मैं सुनूंगा सुनाऊंगा, कल आपसे सब सुनूंगा, देखूंगा मेरे को कौन बोल सकता है, ठीक है मन लगा कर सुनना। इसलिए जो अच्छे श्रोता है पांच तरह का है। कहते पहला नंबर जो श्रोता है कहते ये मधुमक्खी, कहते एक होता है मधुमक्खी और एक होता है मक्खी, एक मधुमक्खी और एक होता है मक्खी। मक्खी कहाँ बैठता है? गंदी चीज में। लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठता है? पुष्पों में, फूल से। देखना मधुमक्खी अगर कांटा की वृक्ष में भी कोई फूल होगा ना, देखना मधुमक्खी वहां भी बैठ करके शहद लेकर के एक सुंदर छत्ता बना देता है, और वो मधु से क्या होता है? ठाकुर जी के अभिषेक होता है। लेकिन ये मक्खी कहाँ बैठेगा? मक्खी जाकर जहाँ गंदी चीज होगा ना वहीं पर जाकर बैठेगा, है वो अच्छा जगह पर नहीं बैठेगा। इसलिए पहला नंबर जो अच्छे श्रोता है वो जो मक्खी नहीं बन करके, जो मधुमक्खी बन करके कथा को जो सार सार को अपना जीवन में जो उतारे, कभी ये अच्छे श्रोता है, ये एक नंबर है। दूसरा नंबर है मछली। मछली आप लोगों देखे हो? बहुत कम लोग देखे होंगे, आप तो कोई खाते ही नहीं, इसलिए मछली अगर देखे होंगे, देखना मछली का जो ये आँख है ना पलक नहीं झपती, कभी बंद नहीं होगी, उनका आँख देखोगे खुली ही रहती है। इसका मतलब कथा कैसे सुननी चाहिए? एक मन से। मछली जैसे आँख खोल कर कथा सुनती है ना, टकटिक टकटकी लगा कर भी कथा सुननी चाहिए, मतलब कथा की एक शब्द भी हमसे चूक नहीं जाए, कथा की हर शब्द जैसे हमारे कानों में जैसे पड़े, इसलिए इसको कहते हैं मछली। तीसरा नंबर है कहते चातक, ये एक चिड़िया होता है। ये चिड़िया किसी नदी का पानी नहीं पीता है, किसी तालाब का पानी नहीं पीता, वो किसका पानी पीता है? वो स्वाधी नक्षत्र का। जब बरसात हो ना वो केवल वही पानी को वो पीता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम जैसे तैसे कथा नहीं सुनेंगे, ऐसे नहीं कहीं बैठ करके उसको बेटी इसी छोरा को साथ में उसकी छोरी भाग गई, वो घर में बहू साथ में लड़ाई होती है और वहाँ बहू पे बहू बनती नहीं, बेटा भाई भाई में लड़ाई, ये सब कथा नहीं सुनेंगे, ये सब कथा नहीं सुनेंगे। क्या कथा सुनेंगे? जैसे ये चातक पक्षी जैसे केवल स्वाधीन नक्षत्र का पानी पीता है, यदि उसी तरह कथा सुनेंगे तो हम भगवान की कथा सुनेंगे, ठाकुर जी की कथा सुनेंगे, ऐसे नहीं सारे दुनियादारी की बात को हम सुनेंगे। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं चातक। कितना कितना तरह का हो गया है? तीन तरह का हो गया है। बोले जो चौथा तरह का है कि हंस, हंसों को अब दूध दो। देखना जो हंस है वो दूध दूध को तो पी लेता है, लेकिन वो पानी पानी को ये छोड़ देता है। मतलब क्या है? हमें जीवन में
सार वस्तु को तो ग्रहण करना और असार को त्याग दे देना है। सार को लेकर के असार को हमें त्याग दे देनी चाहिए। आप लोग इधर आ जाओ, अभी प्रभु जी इधर बैठते हैं। इसलिए जीवन में हमें सार सार वस्तु को हमें ग्रहण करनी चाहिए, हमें असार चीज को हमें छोड़ देनी चाहिए हैं। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जो पंचमा नंबर जो होता है कभी ये तोता, तोते देखे होंगे, देखना तोता का एक विशेष गुण है, वो कच्चा फल में ना कभी थोंट नहीं मारेगा, कच्चा फल में वो मुंह नहीं मारेगा। किसमें मुंह मारेगा? पक्का हुआ फल होना, केवल पक्के हुए फल में ही वो चोंच मारता है। इसका मतलब है अगर मुंह जहां का हमें नहीं मारनी चाहिए, मुंह का मारनी चाहिए। पक्का हुआ फल, पक्का हुआ फल मतलब क्या? केवल भगवान की भक्ति जहां पर है, भगवान की प्रेम जहां पर हो, जहां पर ठाकुर जी की कथा हो ना, केवल वहीं पर मुंह मारनी चाहिए, जहां का मुंह नहीं मारनी चाहिए। कहिए पांच तरह के हो गई बढ़िया श्रोता हैं, और जो साधारण जो श्रोता वो भी पांच तरह का है। कहते पहला नंबर है भुरुंड, कहते ये चिड़िया रहता है कैलाश पर्वत के ऊपर में। इसका एक विशेष गुण क्या जानते हो? आप जैसे बोलोगे ना, जैसे बोलोगे पूरा ठीक वैसे आपका दोबारा सुना देगा, जो सुनेगा एग्जैक्टली आपको सुना देगा। लेकिन जब वो करेगा ना, सुनेगा सुना भी देगा, लेकिन जब करेगा ना पूरा उल्टा करेगा, वो पूरा उल्टा करेगा। लेकिन एक अक्षर भी अपना जीवन में नहीं उतारने वाले। बोले एक समय कोई एक ब्राह्मण था, रोज जाकर पंडित जी क्या करता था, वो मंदिर में कथा सुनाता था। एक बार क्या हुआ, उसको जो पंडित यानी थी बोलती थी, भैया हमें भी तो साथ में कभी ले जाया करो, हमने सुना आप बढ़िया अच्छी कथा बाँटते हो, हमें भी कभी ले जाया करो। लेकिन पंडित कहता था, तू तो पंडित यानी तेरे को करने का क्या जरूरत है? हाँ पंडित यानी को करने का क्या जरूरत है? तो पंडित यानी जरूरत नहीं तेरे कथा सुनने का। एक दिन एकादशी व्रत आ गई, पंडित यानी बोली आज तक कम से कम ले चलो, आज एकादशी व्रत है, कम से कम एकादशी का कथा तो सुन पाऊंगी। वो बहुत पीछे पड़ गई पंडित यानी, बोले चल जब मानोगे नहीं चल अभी ले करके आए। और पंडित जी उस दिन खूब एकादशी कथा सुना, बोले एकादशी कथा जैसे जगत में इतना महत्व किसकी है नहीं। एकादशी का दिन अन्न नहीं खानी चाहिए, अन्न में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सारे पाप एकादशी का दिन अन्न में आश्रय करके रहते हैं। इसलिए ये भगवान की सबसे प्यारा व्रत एकादशी व्रत है। एकादशी व्रत जो जीवन में करेगा वो चिरकाल के लिए संसार से मुक्त होकर के भगवान को पास में जाएगा। पंडित यानी सोची, पंडित जी इतने अच्छी अच्छी कथा सुनाते हैं, एक दिन मेरे को लाए नहीं, मेरे को पता नहीं था एकादशी व्रत की इतना महिमा। और एकादशी को बताया ना ये कल्पतरु व्रत है, कल्पतरु व्रत मतलब क्या? मतलब एकादशी करके आप जो मांगोगे सब कुछ इच्छा पूरी हो जाती है। एक एकादशी का नाम पुत्रदा, पुत्रदा मतलब क्या है? जिसको घर में संतान नहीं है, अगर वो एकादशी व्रत करना उसको पुत्र की प्राप्ति होती है। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी, जिसके घर में पैसा की कमी है अगर वो एकादशी व्रत कर घर में पैसा आता है। एक एकादशी का नाम अन्नदा, अगर घर में अन्न वस्त्र की कमी अगर वो एकादशी व्रत रखे तो घर में अन्न आती है। एक नाम मोक्षदा, जिसको करने से जीव संसार से मुक्ति मिल जाती है। उन्होंने तो एकादशी की इतनी कथा सुनाई, पंडित यानी तो खुश हो गए, बोले तभी तो हमको एकादशी करनी चाहिए। इतने में घर में पंडित यानी आई, आ करके उन्होंने फलाहार बनाए। लेकिन जब पंडित जी आए बोले ले आओ खाना ले आओ, तब उन्होंने फलाहार रख दिया सामने। बोले ये क्या तुमने बनाई? बोले आप ही तो एकादशी में बता रहे थे फलाहार करनी चाहिए, एकादशी दिन अन्न में गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, एकादशी का दिन सब पाप अन्न में रहते हैं, आप तो सुनाए थे। बोले इसलिए तो तेरे को मैं कथा में ले नहीं जाता था, अरे वो दूसरे के लिए सुनाया करता था, तेरे लिए थोड़ी है। मैं जब वहीं से आता हूँ ना, ये कपड़ा को मैं वहीं पर छाड़ करके आ जाता हूँ, जो सुनाया वहीं पर रख करके आ जाता हूँ,
तू एक दिन गई थी इतने सारे बाप नहीं कर जाएगी। हाँ देखो ये बच्चों को, ये बच्चों को पीछे कोई संभालो, भैया पीछे जो बैठे हो ये बच्चे को संभालो, इसलिए इसको कहते हैं भुरुंडू। भुरुंडू मतलब क्या है, ये ऐसे कुछ जो सोता होते हैं, सुन भी लेते हैं, दूसरों को सुना भी देता है, लेकिन अपना जीवन में एक अक्षर भी नहीं उतारता है, कहते इसको कहते भुरुंडू। पहला नंबर। दूसरा नंबर ऊंट। आप लोग तो ऊंट देखे ही होंगे, अब ऊंट को कोई कोमल कोमल बढ़िया बढ़िया कोई पत्ता खिला वो नहीं खाएगा, वो ढूंढेगा बबलू का पेड़ कहाँ पर, कांटा वृक्ष कहाँ पर है। इसका मतलब है जो व्यक्ति भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं को नहीं सुनते हैं, क्या कथा सुनते हैं, कहाँ पर बहू बेटी की बात होती होगी, कहाँ पर चुगली होती होगी, वो सब बात उनको बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन भगवान कथा में जिनको रुचि नहीं, इसलिए इनको कहते ऊंट। तीसरा नंबर है बैल। अब बैल को बड़े सुंदर सुंदर उनको क्या दो, उनको केले दो, अंगूर दो, चीकू दो और उनको भूसा दे दो, इसमें कोई फर्क नहीं समझते, ये सबको जो बराबर मानते हैं, इसका मतलब है भगवान की कथा हो नहीं तो दुनियादारी की कथा हो, लेकिन ये दोनों को जो बराबर मानने वाले हैं कहते वो बैल है। और चौथा नंबर है भेड़िया। ठीक से ध्यान से सुनो, चौथा नंबर भेड़िया। भेड़िया एक छोटा जाति का बाघ होता है, जब ये हिरण कोई सुलीन शब्द सुनकर के मुक्त हो जाता है, वो जानता है हिरण को वैसे मैं पकड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन जब सुलीन शब्द सुनकर के एकदम मुक्त हो जाता है वो भेड़िया, तभी उसको ऊपर आक्रमण करता है। इसका मतलब क्या है, कहते ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कथा में आते तो है, कथा में बैठकर है, लेकिन जिनको कथा में मन नहीं लगता है, और पास में जो बैठ करके कथा सुनता हुआ होगा ना उसको भी कथा सुनने नहीं देगा, बिना कारण से तेरे घर में क्या खाना बना था, तुम्हारी बहू कैसे है, तेरी बहू के साथ में बनती कि नहीं है, जो बिना कारण के कारण खुद तो सुनेंगे नहीं, लेकिन पास में जो बैठ करके सुनते हैं ना उनको भी जो सुनने नहीं दे, इसलिए उनको कहते हैं भेड़िया, इनको कहते हैं, इसलिए कहते ये, कहते ये अच्छा श्रोता नहीं है, इनको अच्छा श्रोता नहीं मानी जाती है। कहते जो और भी तीन तरह के श्रोता हैं, एक श्रोता, एक श्रोता और एक श्रोता। बोले श्रोता मतलब क्या है, बोले वो जो बैठते हैं ना देख देख करके बैठते हैं, कहाँ पर बैठने से बढ़िया नींद आएगी, बस वहीं पर बैठेंगे और कथा आरंभ और सो जाते हैं, और जब कथा विश्राम होता है ना, जब जब कथाकार बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जोर से बोलो बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, फिर जाकर उनको नींद खुलती है, कहते उनको कहते सोता। दूसरा नंबर सरोता। बोले सरोता मतलब क्या होता है, बोले जो कथा सुनने नहीं आते हैं वो केवल कथा का दोष देखने के लिए आते हैं, बोले यहाँ तो टिया पाके लगाया है, ये केले का पेड़ कहाँ है, ये नवग्रह तो पूजा ही नहीं किया है, हैं? जिनकी कथा से कोई मतलब नहीं है, जिनका मतलब केवल दोष ढूंढना, इसको कहते हैं श्रोता। तीसरा नंबर है श्रोता। श्रोता मतलब है जो वास्तव रूप में कथा का सार को अपना जीवन में उतारना चाहते हैं, वही असली श्रोता है, वही असली श्रोता। इसलिए जो कथा कहते हैं चार तरह के कथा है, कितने तरह की कथा है, जोर से बोलो, कहते एक सात्विक, एक राजसी, एक तामसी और एक निर्गुण। कहते ये सात्विक कथा किसको कहते हैं, जैसे एक महीना तक कथा सुने, दो महीना तक कथा सुने, लेकिन उसको कथा को सुनने के बाद है ना फिर कथा से जिनका कोई मतलब नहीं, कहते इसको सात्विक की कथा कहते हैं। कहते राजस की कथा किसको कहते हैं, बोले कथा तो बड़े ठाठ बाढ़ से आयोजन किया, सबको निमंत्रण दिया, कथा हो रही है, कथा सुनने के लिए आओ, लेकिन कभी कभी जो स्वयं कराने वाले कभी कभी काम में इतने बिजी रह गए, जो असली चीज कथा सुनना है वो कथा ही नहीं सुन पाए, इसको कहते राजस की कथा है।
हैं, कते कते निर्गुण कथा किसको, तामसी कथा किसको कहते हैं, कब जैसे 7 दिन तक यहाँ कथा हो रही, कथा तो 7 दिन तक होगी, लेकिन वो जो तामसी कथा है, कभी कथा में बैठे मन नहीं लगा, खड़े हो गए, एक चक्कर घुमा घूम करके आ गए, नहीं तो कथा को बीच में कभी आ गए, नहीं तो कथा में बाद में आ गए, किसी तरह से 7 दिन बिता देना, इसको कहते हैं तामसी कथा। लेकिन सही कथा क्या है, असली कथा क्या है, बोले सदा से व्यम श्रीमती भागवती वार्ता जस्या श्रवण मात्रिणा हरिश्चितम समाश्रय। जो असली कथा है, जिसने अपना जीवन को ही कथा बना दे, अपना जीवन को ही कथा बना दे, नियम करके क्या करे, रोज रोज भागवत पढ़े, नहीं तो रामायण ग्रंथ हो, नहीं तो भागवत हो, नहीं तो भगवत गीता हो, रोज रोज नियम करके अपना घर में थोड़ी बहुत कथा को सुने, कथा सुनाए, भागवत पढ़े। इसलिए जिसने अपना जीवन को ही कथा बना दे, अपना जीवन ही कथा बन जाए, सवेरे उठ करके क्या करे, नहा धो करके तिलक लगाए, ठाकुर जी को आरती उतारे, ठाकुर जी की आरती उतारे, तुलसी की परिक्रमा करे, तुलसी की पानी दे, तुलसी की जो हरिनाम माला है गुरु जी ने दिया है, रोज रोज घर में हरिनाम करे, और घर में जो कुछ बनाए, किसके लिए बना रहे हैं, बोले ठाकुर जी के लिए प्रसाद बना रहे हैं। अगर घर में झाड़ू लगाते हैं, झाड़ू कहाँ लगा रहे हैं, बोले भगवान की मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, ठाकुर जी दरबार में झाड़ू लगा रहे हैं, जो कुछ करे ठाकुर जी की सेवा मान कर करे, और हाथों में काम करे, सेवा करे, और मुंह में ठाकुर जी का नाम ले। जैसे गोपियाँ, वो भी तो घर में थी, वो थोड़ी घर छोड़कर कहीं बाबा जी थोड़ी थी, वो सबके सब घर में रहती थी, लेकिन वो जो कुछ करती थी ना कृष्ण के लिए, हाथ में झाड़ू लगाते हैं, बोले क्यों झाड़ू लगा रहे हो, बोले घर में अगर धूला पड़ा होगा, अगर कभी ठाकुर जी घर में घूमेंगे, ठाकुर जी के पैर धुल जाए, इसलिए हाथ में झाड़ू लगाती हैं, और हाथ में झाड़ू लगाती हैं और मुंह में क्या बोलती हैं, बोले गोविंद दामो दर माधवेती, गोविंद दामो दर माधवेती, जो कुछ करती थी कृष्ण की सेवा की भाव करके करती थी। इसलिए जो भगवान की जो भक्ति है ना, वो कष्ट कष्ट नहीं है, भक्ति सबसे सरल है, सबसे सरल प्रभु का भक्ति, इतना सरल दुनिया में कुछ नहीं, प्रभु का प्रेम जितना सरल है, जो कुछ करो सब कुछ करो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा मान कर करो। बस जिस दिन में घर में ठाकुर का कीर्तन भजन होना, वो तुम्हारी घर ही वृंदावन है, तुम्हारी घर ही वृंदावन हो गया तुम्हारी, जिस घर में तुम्हारे बच्चे भी हरिनाम करे, बहू भी करे, बेटा भी करे, तुम भी करो भगवान का नाम, बस तुम्हारा घर ही भगवान का धाम ही है, ठाकुर जी की धाम बन गया। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम,
यहाँ ब्रह्म हो रहे हो ले बेटा बार बार गुरु वैष्णव हमको समझाते हैं, हमारे द्वार पर आते हैं, बार बार समझाने आते हैं, लेकिन मन बड़ा चंचल है। नहीं लगता ये मन भगवान के चरणों में, आइए इस मन को संकीर्तन के माध्यम स्वाभिम से लगाते हैं, उस कीर्तन के माध्यम से जय जय श्री राधे। एक बार जयकारा हो जाए, गुरुदेव की लाड़ी की जय, संतन हितकारी की जय, झंडी की जय, पुत्र भगिनी की जय, खुल करके ताली हो जाएंगे। और ये भगवान के चरणों में संकीर्तन में भगवान की विशेष कृपा होती है, ये जो धार्मिक आयोजन होते हैं तो उनमें भी ये सब आते हैं दरबार पर राधा रानी की, पर भगवान की विशेष कृपा होती है, हम अपनी इच्छा से नहीं आ सकते, बुद्धि विवेक लगाए थे नहीं होगा, ऐसे व्यथा ना आए। तो ये इतने ये भक्त लोग देख रहे हैं भगवान की विशेष कृपा, दीवाने मन खुल के पाले जाएंगे, कभी भगवान अंतर्यामी है। और गुरु वैष्णव यहाँ होते हैं, यहाँ गुरुदेव होते हैं, माँ ठाकुर जी जरूर रहती है, हमको एक भक्त जीव है, इन आँखों से दिखते नहीं है, लेकिन ठाकुर जी हमको देखा है, हम क्या कर रहे हैं, किस लिए आए। दीवाने मन, दीवाने मन, दीवाने मन राधे राधे, I'm not going to be able to do that.
I'm not going to be able to do that.
इतना नाच लिए थक गए हो मिशन भरी बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अरे जनरेटर है ना, बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल बोले गोपाल हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद
भावना बिहारी लाल की आज के आनंद की जय जय श्री राधे कृष्ण कर जाओ बोलो हाँ खड़े होकर बोलो हरे कृष्ण खड़े होकर बोलो। हाँ ये बच्चा भी अभी जो भागवत कथा हमने सुनाई है ये दो पुराण में भागवत की महिमा आती है, एक तो पद्म पुराण में और एक स्कंद पुराण में। हमने अभी जो कथा सुनी है ये पद्म पुराण की महात्मता है, लेकिन इसकी और एक पुराण में भी ये भागवत की महिमा जिसका नाम कहते हैं स्कंद पुराण। ये बच्चे द्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद एक बार सभी मेरे पीछे पीछे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वानु गुरु वर्गों के चरण कमल का आश्रय लेते हुए यहाँ उपस्थित समस्त श्रोताओं के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। हम लोग महाराज जी के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम की महिमा, और गुरुदेव बतला रहे थे किस प्रकार स्कंद पुराण में भी इस की महात्मा का वर्णन किया गया है। अभी प्रश्न उठता है हम दो दो दिन तक इसकी महिमा को क्यों श्रवण कर रहे हैं? कल भी हमने महिमा का श्रवण किया था, आज भी इसकी महिमा का श्रवण कर रहे हैं। यहाँ बतलाते हुए कह रहे हैं कि अगर किसी चीज की वैल्यू हमको पता हो, अगर किसी चीज की महिमा हमको पता हो तो उसके प्रति हमारी निष्ठा हो जाती है, उसके प्रति हमारा जो सुनने की हमारी रुचि उत्पन्न हो जाती है। जैसे यहाँ बच्चे हैं उनको मानो पता नहीं होगा कि सोना कितना मूल्यवान है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं सोना 40,000 रुपए की तोला मिलेगा, तो हम क्या करेंगे सोने को बड़ा सहज के रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमको उसकी महिमा का पता है, हम बच्चों को वो देंगे नहीं। लेकिन बच्चों को अगर मान लो सोने का सिक्का मिले क्या करेंगे? उससे खेलना चालू कर देंगे या उसको कहीं मिट्टी में फेंक देंगे। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम की महिमा जो वर्णन की गई है किस लिए? ताकि उसकी महिमा को श्रवण करके आगे आने वाले दिनों में जो हम कथा सुनेंगे उसके ऊपर हमारा पूर्ण विश्वास हो। इसलिए श्रीमद् भागवतम के अंदर अनेक अनेक रूपक दिए गए हैं, भागवतम को अनेक अनेक रूपक से संबोधित किया गया है। कहीं कहीं पर इसको बताते हैं कि ये एक पके हुए फल के वृक्ष के समान है। भागवतम को बताया ये एक कल्प वृक्ष है। कल हम श्रवण कर रहे थे ना कि इस भागवत कथा को यदि कोई नियम पूर्वक श्रवण करे, यदि कोई नियम पूर्वक श्रवण करे तो उसे जो मन में इच्छा हो वही प्राप्त होगा। कई बार बता रहे हैं कि निगम कल्पतुर गलितम फलम सुख मुखादमृत संयुतम। ये श्रीमद् भागवतम क्या है? ये एक वेद रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल के समान है, जिसके अंदर ना ही तो गुठली है और ना ही छिलका है। कई बार बता रहे हैं कि कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदि भी स कलो नष्ट दिशामेशो पुराणार्को अधुनोदित। कि ये भागवत क्या है? एक सूर्य के समान है। इस भागवतम को बताया ये एक सूर्य के समान है। जब भी कलयुग का प्रवेश हुआ तो कलयुग की घोर रात्रि में अंधकार छा गया। क्या छा गया? अंधकार। उस समय पर श्रीमद् भागवतम ने अवतीर्ण होकर और सूर्य के जिस प्रकार प्रकाशित कर देता है उसी प्रकार इस सूर्य ने क्या किया, इस भागवत ने अंधकार को दूर किया और धर्म की स्थापना करते हुए प्रकाश प्रदान किया। अभी यहाँ स्कंद पुराण में श्रीमद् भागवतम की महिमा को बतलाते हुए कह रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण अपने धाम चले गए उस समय पर पांडवों ने जैसे ही वह बात सुनी, कुंती महारानी तो साथ साथ में ही अपना उन्होंने शरीर छोड़ दिया। पांडव भी अब सोच रहे हैं कि हम भी अब इस धराधाम पर ज्यादा नहीं रहेंगे। उन्होंने क्या किया, हस्तिनापुर का राज्य दिया श्री परीक्षित महाराज को और वृंदावन श्री मथुरापुरी का राज्य दे दिया श्री बज्रनाथ को, और उन दोनों को राज्य से नियुक्त करके और पांडव भी अपने स्वधाम को चले गए। एक दिन
श्री बज्रनाभ के साथ मिलने के लिए आए उनके परीक्षित महाराज, उनके चाचा लगते हैं। तो परीक्षित महाराज जब बज्रनाभ से मिलने आए, उनसे प्रश्न करते हैं, बोले बज्रनाभ, ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, ब्रज में सब ठीक तो है? तब उस समय पर बज्रनाभ कहते हैं, बोले भगवान कृष्ण जब यहाँ थे वो यहाँ पर हरी सुंदर सुंदर लीलाएं करते थे, किंतु कृष्ण अपने धाम में जब चले गए हैं वे सभी को अपने धाम चले गए। आपने रामायण देखी है? कौन कौन रामायण देखे टीवी में? आपने देखा होगा जब भगवान राम अपने स्वधाम को गमन कर रहे थे, एक तरफ से वे सब सरयू नदी में प्रवेश कर रहे हैं और दूसरी ओर से सब चतुर्भुज रूप धारण करते हुए रथ पर विराजमान होकर और संकेत धाम को चले जा रहे हैं। उसी प्रकार भगवान कृष्ण भी जब अपने धाम को गए तो सभी ब्रजवासियों को, ब्रजवासियों की बात ही छोड़ दो, यहाँ तक कि पेड़ पौधा वहां के कीट पतंग को भी अपने धाम ले गए। अब यहाँ ब्रजनाथ कह रहे हैं कि जिस राज्य में प्रजा ही नहीं, उस राज्य में कैसा राज्य, वो राज्य मैं किस प्रकार का राजा हुआ? तो इसलिए ब्रजनाथ बड़े दुखी थे। तब परीक्षित महाराज उनको लेकर सांडिल्य ऋषि के पास ले गए और सांडिल्य ऋषि से जब उन्होंने अपनी दुख की बात कही, सांडिल्य ऋषि उनके पुरोहित, वे बतलाते हैं कि कृष्ण तो अभी भी यहीं पर विद्यमान है, कृष्ण तो अभी भी यहीं पर विद्यमान है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में क्या बताया, बोले अध्यापी से ही लीला करे गौर राय, कौनो कौनो भाग्यवान देखी बारे पाए। अर्थात भगवान कृष्ण नित्य है, भगवान कृष्ण अभी भी वृंदावन में विराजमान है। अभी कृष्ण जगह वृंदावन में विराजमान है तो हम लोग ब्रज जाते हैं, हमको क्या दिखते हैं? आप में से कौन कौन ब्रज गया है, मथुरा वृंदावन घूम कर आए, तो वहां जाते तो हमको क्या दिखता है? वहां पर सुअर घूम रहे हैं, हाँ नाली में से कीचड़ बह रहा है, बंदर कभी पर चुरा के ले जाते हैं, यही सब तो देखते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण यहाँ पर बजनाथ कह रहे, सांडिल्य ऋषि कह रहे कि भगवान कृष्ण अभी भी वहां पर है, क्या हमको दर्शन होते हैं? तब उसका कारण बता रहे हैं कि हमको दर्शन क्यों नहीं होते हैं, बता रहे हैं ये जड़ आंखों से हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, हमारी आंखों पर क्या है, परत लगी हुई है। बोले किसकी परत? तब ये कह रहे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, हाँ हमारे हृदय में से काम भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है, जो दूसरों को देखकर ईर्ष्या होती है उससे, उसी के कारण हम भगवान का दर्शन नहीं कर पाते। भगवान का चिन्मय धाम है, हम उस धाम का दर्शन नहीं कर पाते। ब्रह्मा जी ने जब इतनी स्तुति कर रहे हैं तो वृंदावन की इतनी महिमा गाई है, वृंदावन के लिए क्या कहते हैं, बोले चिंतामणि प्रकर सद्म शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिर अभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदम आदिपुरुषम् तमहम् भजामि। बोले ब्रजधाम साधारण नहीं है, ब्रजधाम में जो धूली है एक एक धूली कण चिंतामणि है। चिंतामणि मतलब जैसा चिंतन करोगे, जो मांगोगे वही देने में सक्षम है। वहां के जो पेड़ हैं, वहां के वृक्ष कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष आपको जो चिंतन करोगे वही प्रदान कर लेंगे। वहां पर लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्यमान, अर्थात एक लक्ष्मी नहीं, अनंत अनंत लक्ष्मियां वहां पर क्या कर रही है, झाड़ू लगा रही है। ऐसी वृंदावन धाम की महिमा है, वृंदावन धाम का दर्शन हम इन जड़ चक्षुओं से नहीं कर सकते। तब अभी प्रश्न उठता है कि हम दर्शन करें तो करें कैसे, तब ब्रह्मा जी उसका उत्तर देते हुए कहते हैं, प्रेमांजल छुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। ये हमारी आंखें जो काम क्रोध लोभ मोह से भरी पड़ी है, इनके ऊपर क्या करना पड़ेगा, प्रेम का अंजल लगाना पड़ेगा। जैसे काजल लगाते हैं ना, तो ऐसे ही काजल किसका लगाना पड़ेगा, प्रेम रूपी काजल से यदि हमारी आंखें सुशोभित हो जाए तब हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। मतलब क्या है, मतलब क्या हुआ, मतलब कह रहे हैं कि अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो, भगवान के प्रति प्रेम हो, तब जाकर हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, तब जाकर हमें भगवान का दर्शन होगा, तब जाकर हमें धाम भी ठीक ठीक रूप में देख पाएंगे। क्योंकि ठाकुर तो अभी भी वृंदावन में विराजमान है, ठाकुर को अभी भी वृंदावन में विराजमान है। हमारे संप्रदाय के अनेक अनेक संत हुए जिनके साथ में ठाकुर साक्षात बातें करते थे, उनसे अपने खाद्य वस्तु मांगते थे। आपने मदन मोहन जी का नाम सुना है, राधा मदन मोहन जी जो अभी करौली में है, मदन मोहन जी की कथा सुन लो। मदन मोहन जी ये क्या थे, मदन मोहन जी रहते थे मथुरा में और एक संत थे जिनका नाम था सनातन गोस्वामी। ये सनातन गोस्वामी, इनको ब्रज में सब बड़े बाबा के नाम से जानते थे। किसके नाम से? ये बड़े बाबा का नियम था, ये रहते थे वृंदावन में, रोज जाते थे गोवर्धन गिरिराज जी, गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे, रोज परिक्रमा करके उसके बाद में आते थे मथुरा, मथुरा में ये भिक्षा करते थे और भिक्षा करके फिर आते थे वृंदावन।
पहले के समय में तो गाड़ी घोड़े होते नहीं थे, पैदल पैदल इन महापुरुष का नियम था, ये रोज जाते थे पैदल पैदल करीब 40 किलोमीटर वहां से वृंदावन से मथुरा, वृंदावन से गोवर्धन, गोवर्धन की फिर परिक्रमा करेंगे 21 किलोमीटर, फिर वहां से भिक्षा मांगने के लिए आएंगे मथुरा और फिर अपना वृंदावन, ऐसे उनकी प्रत्येक दिन की दिनचर्या थी। अभी एक दिन जब ये गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, वृद्ध हो गए हैं, गोवर्धन परिक्रमा करते करते एक दिन क्या हुआ, इन्हें विश्राम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेटे, पेड़ के नीचे लेटे तो इनकी आंख लग गई, जब थोड़ी तंद्रा आई तो देखा साक्षात कृष्ण बलराम उनको दर्शन दे रहे हैं। भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनके लिए पंखा चला रहे हैं। गर्मी के दिन में जब परेशान हो गए ये संत, तो कृष्ण स्वयं आकर और अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं, वहां पर दाऊ भैया अपना दुपट्टा लेके और वहां पर उनको छाया प्रदान कर रहे हैं। ऐसे भगवान भक्त वत्सलता है। जब उनको थोड़ा सा चेतनता हुई तब फिर साक्षात भगवान कृष्ण कहते हैं, बोले सनातन तुम रोज रोज परिक्रमा क्यों करते हो, तुम रोज रोज इतना कष्ट क्यों करते हो, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम थोड़ा विश्राम किया करो और रोज परिक्रमा करने की आवश्यकता नहीं है। तब ये संत कहते हैं कि जब तक मेरे इस जीवा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं प्रत्येक दिन गोवर्धन परिक्रमा करूंगा, मैं प्रत्येक दिन गोवर्धन परिक्रमा करूंगा। तब साक्षात कृष्ण ने क्या किया, वहां पर सुंदर सुंदर बंसी बजाई, बंसी बजाने से गिरिराज गोवर्धन द्रवीभूत हो गए और क्या हुआ, उसी के ऊपर भगवान ने अपनी लाठी, अपनी मुरली, अपने चरण चिन्ह, गैया के खुर का चिन्ह, ऐसे करके गिरिराज शिला सनातन गोस्वामी को दे दी। बोले तुम इस अगर गिरिराज शिला की रोज परिक्रमा करोगे, चार परिक्रमा करोगे तो उससे तुम्हें गिरिराज जी की परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाएगा। वही शिला आज श्री राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में विराजमान है। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। ये सनातन गोस्वामी जब भिक्षा करते करते आते थे मथुरा में, इन्होंने मथुरा में एक चौबाइन के घर देखा। चौबाइन मतलब क्या है, जो चौबे होते हैं ना चतुर्वेदी, चौबे की पत्नी चौबाइन। तो चौबाइन के घर में इन्होंने देखा कि ठाकुर जी उसके बच्चे के साथ में खेल रहे हैं। चौबाइन का एक बेटा था जिसका नाम था सदना और हमारे मदन मोहन जी, ये प्यार से चौबाइन उनको बोलती थी मदना। तो ठाकुर के प्रति प्रेम था, ये सम्मानती थी मेरा एक नहीं मेरे दो बेटे हैं, एक मदना और एक सदना। ये दोनों ठाकुर जी साक्षात इनके बच्चे के साथ में खेलते थे और जब खेलते खेलते कभी ठाकुर क्या कर रहे हैं, घोड़ा, जैसे ठाकुर जी जब हार जाते थे पराजित हो जाते थे तो घोड़ा बनते थे, कभी कभी ये सदना जब हार जाता था तो ठाकुर जी उसके पीठ पर बैठकर और घोड़ा जैसे बच्चे खेला खेलते हैं, ऐसे ही ठाकुर जी साक्षात इनके साथ खेल खेला करते थे। एक दिन क्या हुआ, जब ये मदन मोहन जी वहां पर खेल खेल रहे थे, ये सनातन गोस्वामी वहां आए, इन्होंने देखा कि भगवान साक्षात एक बालक रूप धारण करके और इस बच्चे के साथ में खेल रहे हैं। और जैसे थोड़ी हंसी खटोली हुई, क्या हुआ, ये मदन गोपाल जाकर भाग के और अपने मंदिर में चले गए और वहां पर वापस विग्रह रूप धारण कर लिया। ये देख के तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। इस तरफ देखा उन्होंने कि ये चौबाइन क्या कर रही है, ठाकुर जी के लिए भोग बना रही है। पहले ब्रज में तो आपने देखा होगा लोग इतना शुचि नहीं रखते थे, वो चौबाइन क्या कर रही थी, सुबह सुबह उठी है अभी और नीम के दातुन से दांत मांज रही है, नीम के दातुन से अपने दांत साफ कर रही है, दातुन की एक तरफ से तो अपने दांत साफ कर रही है और दूसरी तरफ से खिचड़ी चला रही है, दूसरी तरफ से खिचड़ी चला रही है। अब बताओ ठाकुर की तरह ऐसे भोग बनाते कोई, ठाकुर के लिए ऐसा भोग बनाते, झूठे का कुछ ध्यान नहीं, शुचि का कुछ ध्यान नहीं। वहां पर जब सनातन गोस्वामी ने ये बात देखी, सनातन गोस्वामी उस चौबाइन को शिक्षा दे रहे हैं, बोले अम्मा ऐसे भोग मत बनाया करो, ठाकुर जी के लिए ये साक्षात भगवान है तुम्हारे घर में, इनके लिए भोग जल बनाओ, स्नान करके शुचि रखते हुए साफ वस्त्र पहन के और इनके लिए भोग बनाया करो, ये झूठे से भोग मत लगाया करो। ठीक है बाबा, मैं तो कुछ जानती नहीं, तुम जैसे कह रहे हो कल से ऐसा ही करूंगी। अगले दिन से ये बुढ़िया ने क्या किया, ये चौबाइन ने वैसे ही भोग लगाने लगी। दूसरे दिन जब सनातन गोस्वामी आए, क्या देखते हैं, ये मदना और सदना दोनों बैठे बैठे रो रहे हैं और रोते रोते बोले बोले कहां से एक बूढ़ा आ गया था, हमारी माँ को ना जाने क्या शिक्षा लेकर गया, हम तो यहाँ भूखे मर गए, माँ कब स्नान करेगी, कब बनाएगी और कब हम खाएंगे। जब सनातन गोस्वामी ने ये बात देखी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोले ठाकुर जो कौन है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, वो एक साधारण खिचड़ी के लिए रो रहे हैं, ठाकुर को अभी भूख लगती है, आप बताओ, ठाकुर जिन्होंने सब चीज बनाई है वो क्या भूखे रह सकते हैं, लेकिन वो ही ठाकुर जी आज एक खिचड़ी की अपेक्षा कर रहे हैं, खिचड़ी के लिए इंतजार कर रहे हैं और वहां पर रो रहे हैं दोनों बालक बैठे बैठे। बोले ठाकुर मैया कब हमको खाना खिलाएगी, कब हमको खिचड़ी बनाएगी। उस समय पर सनातन गोस्वामी ने देखकर और उस माता से प्रार्थना करी, बोले माँ तुम जिस प्रकार बनाती थी उसी प्रकार बनाओ,
क्योंकि ठाकुर एकमात्र प्रेम के वशीभूत हैं, ठाकुर एकमात्र प्रेम के वशीभूत हैं। इसलिए एक भजन है ना, बोले सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। क्या कह रहे हैं, ठाकुर एकमात्र प्रेम के वशीभूत हैं। ठाकुर उनको भूख नहीं लगती, वे आत्माराम आप्त काम है, लेकिन फिर भी आज इस मैया की खिचड़ी के लिए इंतजार कर रहे हैं। ऐसा है ठाकुर की प्रेम वत्सल था। एक बार कभी ये जब क्या हुआ, ये सनातन गोस्वामी ने ये देखा, उस अम्मा को बोला कि आप जैसे बनाती हो वैसे ही बनाओ। तब ये मदन गोपाल मानो वहां जिद करने लगे और ये क्या कहते हैं, बोले मुझे इन बाबा के साथ में भेज दो, मुझे इन बाबा के साथ में भेज दो। तब सनातन गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण तुम मेरे साथ में चलना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी माँ के पास में 9 लाख गाय थी, तुम तब भी मक्खन चोरी कर करके खाते थे, और मैं तो फकीर बाबा हूँ, मैं तो भिक्षुक हूँ, मैं तो घर घर में जाके भिक्षा मांगता हूँ, वहां पे किसी प्रकार जो आटा मिलता है उस आटे के अंदर उस आटे की लोई बना के आग में दे दी, उसी को खा के अपना भजन करता हूँ, बताओ मैं तुमको भोग कैसे लगाऊंगा, तुमको भोग कैसे लगाऊंगा, तुम्हें तुम्हारे लिए मेरे पास माखन मिश्री नहीं है, बोलो फिर भी मेरे साथ चलोगे, बोले हाँ मैं फिर भी तुम्हारे साथ चलूंगा, बोले मैं तुमको गोदी में लेकर भी नहीं जाऊंगा, मेरे साथ पीछे पीछे पैदल चलना पड़ेगा, बोले तुम जैसे लेकर जाओगे वैसे ही चलूंगा। ठाकुर जी एकमात्र प्रेम के वशीभूत है, इसीलिए तो अपने भक्तों के पीछे 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 चलते हैं। ठाकुर अपने भक्तों के पीछे पीछे जा रहे हैं। अब ये मदन गोपाल ने क्या किया, सनातन गोस्वामी के साथ में आ गए, और सनातन गोस्वामी क्या करते थे, रोज भिक्षा में जो आटा मिलता था उससे एक बाटी बनाई, उसको आग में दे के और वो ही भोग लगाते थे, उसमें नमक भी नहीं देते थे, उसमें नमक भी नहीं देते। अभी एक दिन मदन गोपाल बोल पड़े, बोले सनातन तुम थोड़ा नमक तो इसमें दे दिया करो, बोले इतना निरस है ये गले से नीचे नहीं उतरता, कोई सूखा आटे का चूर्ण बना के दे दे गले से उतरेगा। अभी ये ठाकुर जी कह रहे हैं, बोले तुम थोड़ा सा इसमें नमक दे दिया करो। आज सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं, बोले आज तुम नमक मांग रहे हो, कल बोलोगे थोड़ा मीठा ला दो, परसों कहोगे थोड़ा दूध और खीर ला दो, मेरे लिए तुम्हारे पास में 56 भोग नहीं है, अगर इंतजाम करना चाहते हो तो अपने आप कर लो। बाद में क्या हुआ, सनातन गोस्वामी ने ही एक व्यापारी से अपना पूरे मंदिर का बंदोबस्त करवाया, और आज जितना भव्य मंदिर आप देखते हो वृंदावन में वो ये उसी व्यापारी ने ही। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जोर से बोल बोल श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। क्या हाँ, देखो प्रभु ने अच्छी कथा सुनाई, तुम लोगों को ताली नहीं बजाएंगे। हाँ देखो, अब लोग अभी अभी श्रवण कर रहे थे ना, जब शंकर जी कथा सुनाते हैं माँ पार्वती बैठी करी कथा सुनाते हैं, लेकिन जब माया पार्वती कथा सुनाती है शंकर जी कथा सुनते हैं, जब नारायण कथा सुनाते हैं माँ लक्ष्मी बैठी करी कथा सुनती है, माँ लक्ष्मी जब कथा सुनाती है स्वयं नारायण भी बैठी करी की कथा सुनती है। इसका मतलब ये नहीं केवल शंकर जी और विष्णु जी ब्रह्मा जी कथा सुनाते हैं, माताएं भी कथा सुनाती हैं। कौन सुनाती है, माताएं भी कथा सुनाती हैं। इसलिए हमारे बीच में एक दो माता बुढ़िया इस तरह कथा सुनाएगी, खड़े हो जाओ। तो देखो ये जो मैया है इसका नाम श्री विशाखा देवी, ये हमारे बड़े गुरु जी की शिष्या है, ये रहती है ग्रेटर नोएडा में, और ये माता जी वहाँ पर इतना प्रचार की आप सोच भी नहीं सकते, उतने प्रचार उसने की। वहीं पर खड़े हो जाओ, माइक उनको दे दो।
इसलिए इन्होंने इतने प्रचार की माता जी ने, और थोड़ा इधर आ जा, इसलिए ये माता जी इतने वहां प्रचार की, वहां पर एक एक माताएं एक एक लाख हरिनाम करती हैं, वहां पर उन्होंने बहुत भक्तव लोग बनाया, बहुत सारे भक्त बनाए, हर साल ये हम लोगों को बुला करके भागवत कथा कराती है, ठीक है, इसलिए भागवत कथा कराती है और भजन करती है, और जितने अड़ोसी पड़ोसी माताओं को ना, जैसे तिलक लगाए कंठी, ये डॉक्टर है, ये माता जी डॉक्टर भी किया है, और इनका पति बहुत बड़ा ऑफिस में काम करता है, बहुत तनख्वाह है, लेकिन ये अपना घर में रहती है, ऐसे नहीं घर बार छोड़ करके सब छोड़ दिए, नहीं, इनकी दो एक दो बेटे इनकी है, इनकी पति है, इनकी सास ससुर, ये सबको भी देखती हैं, घर के सारे काम करती हैं, और इसको साथ साथ में ठाकुर जी की भजन भी करती हैं। ये आप सुना, कितने सुंदर कथा सुनाती है, इनका नाम श्री विशाखा देवी दास, बोलो बोलो, वो जो बच्चा कथा सुना तो खो गया था सुनना। ओम ज्ञानतिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, तत्पश्चात मंच पे आसीन महाराज जी को दंडवत प्रणाम, मेरे यहाँ सभी गुरु भाई बहन जो मेरे से बड़े हैं सबको मेरा दंडवत प्रणाम, आप सब श्रोतागण को भी मेरा यथा योग्य प्रणाम। महाराज जी मेरी अभी जो तारीफ कर रहे थे वो बिल्कुल वैसा ही समझना जैसे हमारे माता पिता छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना घर में, ए बी सी और छोटी छोटी कहानियाँ सिखाते हैं, जॉनी जॉनी यस पापा सिखाते हैं, वो ही सिखाते हैं, और जब कोई आता है तो फिर उनसे सुनाते हैं, बेटा जॉनी जॉनी यस पापा सुनाना, बच्चा सुनाता है जॉनी जॉनी यस पापा, तो माता पिता ताली बजाते हैं, सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं, माता पिता ने ही सिखाया और माता पिता ही प्रसन्न हो रहे हैं, उनकी तारीफ करते हैं। इसी तरह मैं जो भी कुछ अगर बोल तो ये महाराज जी की और मेरे गुरु जी की हेतु की कृपा है जो इनके उत्साह से ही मैं कुछ बोल पा रही हूँ। महाराज जी से ही सुना मैंने जो भी कुछ सुना, उन्हीं का सुना हुआ आपको बताने की कोशिश करूंगी। एक राजा का बेटा था, एक छोटी सी कथा के माध्यम से सुनना कि हम यहाँ पे सब कैसे हैं, हम यहाँ पे सब रहते हैं ना, कैसे रहते हैं, सभी दुखी हैं, क्यों दुखी हैं, और सभी यहाँ के दुखों से छुटकारा पाना चाहते हैं ना, सभी चाहते हैं हम सब सुखी हो जाएं, तो कैसे सुखी होंगे, उसे एक छोटी सी कथा के माध्यम से सुनना। एक राजा था, उसका एक ही पुत्र था केवल, और राजा ने किसी गलती के कारण उसे डांट दिया, जैसे माता पिता डांट देते हैं ऐसे राजा ने अपने पुत्र को डांट दिया, तो वो बेटा अपने पिता से इतना गुस्सा हो गया कि वो घर छोड़ के चला गया। राजा इतना रोया अपने बेटे के लिए कि मेरा एक ही एक बेटा और मैंने उसे थोड़ा सा डांट दिया, आज मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया। राजा ने बहुत बहुत प्रयत्न किए अपने बच्चे को वापिस लाने के लिए, उसने इतने सारे अपने नौकर अपने मंत्री सब भेजे कि किसी तरह से उसका बच्चा मिल जाए वापस ले आए, लेकिन उनका बच्चा मिला नहीं। बहुत साल बीत गए, राजा अब राजकाज में भी ध्यान नहीं देता, घर बैठ के अकेले रोता रहता और बहुत उदास। तभी एक दिन राजा के कोई मंत्री आया, नया मंत्री था, बहुत समझदार था, उसने पूछा राजा जी आप इतने परेशान क्यों हो, आप इतने दुखी क्यों हो, इतना अच्छा आपका राज्य है, सभी कुछ सुनियोजित ढंग से चल रहा है, आप इतने परेशान क्यों रहते हो, उदास क्यों रहते हो। तो राजा ने बताया बहुत समय पहले मेरा एक छोटा सा बच्चा था, मैंने उसे डांट दिया और वो घर छोड़कर चला गया, आज तो मुझे ये भी नहीं पता कि वो जीवित भी है कि नहीं। तो मंत्री बोला आपने ढूंढवाया नहीं, आप तो इतने बड़े राज्य के राजा हो। तो बोले मैंने बहुत प्रयत्न किया, वो कहीं भी नहीं मिला। तो मंत्री बोला मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ आपके बेटे को लाने की। तो मंत्री ढूंढते 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 राजा के बेटे को ढूंढते ढूंढते उसने जाके देखा राजा का बेटा एक चाय वाले की दुकान पे बर्तन मांज रहा। मंत्री को इतना आश्चर्य लगा कि इतने बड़े राज्य का मालिक, इतने बड़े राजा का राजकुमार एक चाय वाले की दुकान पे बर्तन मांज रहा है। पर उसने जाते ही ना उसको बोला नहीं कि मैं तेरे पिता ने भेजा हूँ चेंज यहाँ से चल, ऐसा नहीं बोला।
उसने क्या किया, चालाकी के साथ वहीं पे नौकरी कर ली, उस राजा के बेटे के साथ नौकरी कर ली और उसके साथ दोस्ती की धीरे 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 धीरे। जब वो बिल्कुल अच्छा उसे विश्वास हो गया राजा के बेटे का, उसने विश्वास जीत लिया, अच्छा दोस्त बन गया, तो एक दिन पूछा उसने राजा मंत्री ने, भाई तू यहाँ कैसे आया, तेरा भी तो कोई हाथ। तो राजा का जो मंत्री था, मंत्री ने राजा के बेटे के साथ दोस्ती कर ली और एक दिन पूछा, भाई तू यहाँ कैसे आया, तेरा भी तो कोई गांव होगा, तेरे भी तो माता पिता होंगे। इतना सुनते के साथ ही राजा का बेटा रोने लगा, तो वो एकदम से हैरान हो गया। मंत्री बोला, भाई मैंने कुछ गलत पूछ लिया, तू परेशान मत हो, क्या बात है, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया। तो बोला, नहीं बस मैं एकदम से दुखी हो गया, कोई बात नहीं, तू मेरा बहुत अच्छा मित्र है, इसलिए आज मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं उस राजा का बेटा हूँ, उसने अपने राज्य का नाम लिया, अपने पिता का नाम लिया, उस राजा का बेटा हूँ। तो मंत्री इतना हैरान होकर बोला, तू इतने बड़े राजा का मंत्री और यहाँ पे चाय की दुकान पे बर्तन मांज रहा है, इतनी छोटी नौकरी, ऐसा क्या हो गया जो तू यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो उसने बताया कैसे कैसे मैं अपने पिता की थोड़ी सी डांट से गुस्सा होके, उनसे दुखी होके मैं यहाँ आ गया और तब से मैं इतना दुखी हूँ यहाँ पे, मेरे को दो टाइम की रोटी के लिए ये इस चाय वाले की दुकान पे बर्तन मांजने पड़ रहे हैं। तो मंत्री ने बोला, धीरे धीरे उसको चुप कराया, उसे प्यार किया और बोला, देख मैं उसी राजा का मंत्री हूँ और तू अपने पिता के पास क्यों नहीं चलता। तो वो बोला, मैंने इतनी छोटी सी गलती करके अपने पिता से इतनी दूर आ गया, अब पता नहीं मेरे पिता मुझे माफ करेंगे कि नहीं, मुझे अपनाएंगे कि नहीं। तो मंत्री ने बोला, अरे तेरे पिता तो दिनों रात तेरे लिए रो रहे हैं, उन्होंने मुझे भेजा है, उन्होंने कितने औरों को भेजा तुझे लाने के लिए, तेरे इंतजार में वो दिन और रात रोते हैं, वो तुझसे कुछ भी नहीं पूछेंगे, बस एक बार तू घर चल, तुझे गले लगा लेंगे। तो इस तरह से वो राजा का मंत्री राजा के बेटे को घर वापस ले आता है। घर वापस आते ही राजा ने अपने पुत्र से इतना प्रेम किया, स्नेह किया, उससे कुछ नहीं पूछा, तू क्यों चला गया, कहाँ रहा, बस उसे घर में रख लिया। अब आप इस कहानी से सोचो, अभी तक जो बच्चा दो समय की रोटी के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, बर्तन मांज रहा था, आज सिर्फ उसने अपने पिता के घर आ गया वो, तो उसके लिए क्या है, 56 थोक तैयार है, उसके लिए इतना सुंदर मखमली गद्दा तैयार है सोने के लिए, इतना सुंदर महल उसके लिए, सारा ऐश्वर्य, सारी प्रॉब्लम उसकी खत्म केवल अपने पिता के घर वापस आने से। और वही जब वो पिता के घर से दूर चला गया था तो उसे रोटी खाने के लिए भी कमाना पड़ता था, इतने बर्तन मांगने पड़ते थे, सोने के लिए भी जमीन पे सोना पड़ता था, कितनी मुश्किल से वो जीवन व्यतीत कर रहा था। तो ये कहानी किसकी है, ये कहानी हम सबकी है। वो राजा कौन है, वो राजा हमारे पिता हैं। पिता कौन है हमारे, ठाकुर जी, हमारे पिता के पिता के, जब पूछोगे ना तो आखिर में सबके पिता कौन होते हैं, भगवान, ठाकुर जी। तो हम सबके पिता ठाकुर जी हैं और हम सब उनसे मुंह मोड़ के, उनसे गुस्सा करके यहाँ आ गए हैं और यहाँ आके क्या देख रहे हैं, सुख और दुख, सुख बहुत कम, दुख ज्यादा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो टाइम की रोटी के लिए ही तो सारे दुनिया काम कर रही है ना, और किस लिए कर रही है, थोड़े से सुख के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतने दुख सह रहे हैं, परंतु फिर भी अपने पिता के घर वापस नहीं जाना चाहते। अपने पिता के घर जाने का रास्ता क्या है, वो मंत्री। वो मंत्री कौन थे, वो मंत्री है सदगुरु, जो हमारे साथ आते हैं, हमारे पास आते हैं और हमें हमारे जैसे लगते हैं, वो आके दोस्त बने ना, जब दोस्त बन गए तब उसने अपने मन की बात बताई कि मैं तो अपने पिता से इतनी दूर हो गया। इसी तरह हमारे पास जब सदगुरु आते, उस लोग से आते हैं, परंतु हमें लगता है अरे हमारे जैसे ही तो है, ये भी रोटी खा रहे हैं, हम भी रोटी खा रहे हैं, ये भी बीमार पड़ते हैं, हम भी बीमार पड़ते हैं, बिल्कुल हमारे जैसे तो है, तो हम इनसे दोस्ती कर लेते हैं। और दोस्ती जब ये हम इनसे दोस्ती कर लेते हैं, तब ये समझाते हैं, अरे तू यहाँ का नहीं है, तू तो उस राजा का बेटा है, यहाँ एक भिखारी की जैसे क्यों जी रहा है, उसके वो पिता जो है ना तुझे याद कर रहा है, उस पिता के पास चल, कैसे चल, ये रास्ता बताते हैं, हरि नाम करना बताते हैं। जैसे आज आप सब सुनते हो ना 7 दिन की कथा, ऐसे ही सब लोग जरूर जरूर आना, 7 दिन की कथा में महाराज जी बताएंगे
हम कैसे अपने घर वापस जा सकते हैं, अपनी सारी समस्याओं का समाधान हम कैसे पा सकते हैं। हम अपने पिता, इतने बड़े राजा जो हमारे पिता हैं, उनके पास वापस कैसे जा सकते हैं। इसलिए ये हमारे गुरुजी जो हैं आए हैं वही मंत्री के रूप में हमारे पिता का संदेश लेकर कि तुम मेरे बच्चों को जाके बताओ, रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा, बस तुम एक बार घर वापस आ जाओ। तो आप सब ऐसे ही आना और 7 दिन की कथा सुनना और उसमें जो महाराज जी बता के जाए उसको आगे भी पालन करने की कोशिश करना। मैं देखती हूँ यहाँ पे माताएं ज्यादा हैं, माताओं के लिए तो भक्ति बहुत बहुत सरल है। कोई कहता है माताओं के लिए मुश्किल है ना, यही सुने ना, स्त्रियों के लिए मुश्किल है। भक्ति तो पुरुष की बात है, पुरुष तो फ्री होता है, कोई भी कहीं भी मतलब जा सकता है, वृंदावन जा सकता है, धाम जा सकता है, स्त्रियों की तो जिम्मेवारी नहीं। स्त्रियों के लिए ज्यादा सरल है भक्ति। क्या करना है, हम सब क्या करते हैं, सेवा करते हैं ना, तो ठाकुर जी की भी तो सेवा ही करनी है। जब हम इतने बड़े संसार की घर गृहस्थी की सेवा कर सकते हैं तो क्या एक ठाकुर जी की सेवा नहीं कर सकते। हमारे लिए तो हमारे को क्या है, मतलब अंदर है ये बात सेवा करना, तो हम भक्ति में और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। क्या करना है, सुबह उठ के हम सबके लिए खाना बनाते हैं ना, अभी तक अपने पिता के लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए खाना बनाते हैं, बस वही खाना हमें ठाकुर जी के लिए बनाना है। हो गई हमारी भक्ति, सिर्फ एक खाना भोग लगाना ही भक्ति हो गई। हम क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, वही झाड़ू अभी तक हम क्या लगा रहे थे, ये मेरा ससुराल है, मेरी सास देखेगी मैं अच्छी सफाई कर रही हूँ तो मेरे सास मेरे से खुश रहेगी, मेरा पति खुश रहेगा। वही क्या करना है, ये मेरे ठाकुर का घर है, मेरे ठाकुर मुझे खुश होंगे इसलिए अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। होगी झाड़ू लगाने में भक्ति। हम नहाते हैं रोज, सभी नहाते हैं, अभी तक किस लिए नहाते थे, कि हम जो है सुंदर लगे और साफ सुथरे कपड़े पहन के हम जो है सबको अच्छे लगे। अब किस लिए, हमें ठाकुर जी की आरती करनी है इसलिए नहाना है, तो हमारा नहाना भी तृप्ति हो गया। और हम सोते हैं, सभी सोते हैं, सब किस लिए सोते हैं, कि आराम कर लो जरा, शरीर मेरा ठीक रहे। हमें भी सोना है, इसलिए सोना है क्योंकि सुबह ठाकुर जी की मंगला आरती में जागाना है, ठाकुर जी को आरती करनी है, तो हमारा सोना भी भक्ति हो गया। हम सब उठते हैं, पहले किस लिए उठते थे, जल्दी जल्दी उठ के दूध निकालना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये करना है, वो करना है, बस अब सबसे पहले काम हमें क्या करना है, ठाकुर जी की आरती करनी है। हम जागेंगे किस लिए, ठाकुर जी की आरती के लिए, सोएंगे किस लिए, ठाकुर जी की आरती के लिए, भोजन बनाएंगे किस लिए, ठाकुर जी के लिए, सफाई किस लिए करेंगे, ठाकुर सारे काम बस ठाकुर जी के साथ जोड़ना है। और हमें कुछ भी छोड़ना नहीं, कहीं भी जाना नहीं, कहीं भी भागना नहीं, घर में रहते हुए स्त्रियों के लिए बहुत सरल है भक्ति करना। हरे कृष्ण पंचकल्प वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ देखो आप लोगों ने सुन लिया भक्ति कितना सहज है। ये भी बताया ना, ये भी डॉक्टर है, इसका पति बहुत बड़ा ऑफिसर है, इसका पति दो दो बच्चे हैं, कोई कोई आर्किटेक्टर है, कोई अच्छे अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन देखो ये सब बच्ची है, ये नौकरी करती है, ऐसे नहीं, पढ़ाई भी की अच्छी है, नौकरी भी करती है, पैसा भी कमाती है, लेकिन इसको साथ साथ में प्रभु की भजन भी करते हैं। देखो तिलक नहीं, गले में इसकी तुलसी कटती है कि नहीं, तुलसी कटती, तिलक लगाई, भगवान की भक्ति करती है, नौकरी करती है, पैसा भी कमाती है, लेकिन इसको साथ साथ में भगवान की भक्ति भी करती है। हम चाहते हैं तुम्हारी सब बच्चे लोग भी ऐसे भगवान की भक्ति करे, भगवान का भजन करे। जिस घर में बच्चे भजन करते हैं ना, उसी घर ही वृंदावन है। अब देखना, अगर तुम्हारे बच्चे लोग भक्ति में जुड़ जाएंगे ना, फिर बड़े होकर कभी शराब नहीं पिएंगे, दारू नहीं पिएंगे, मांस नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, गंदे काम में बच्चे कभी नहीं जाएंगे। जिनके बच्चे प्रभु की भजन में लग जाए, उसका घर भगवान की धाम बन जाए। इसलिए हम ये बच्चों को खड़े करते हैं, तुम्हारे बच्चे लोग भी देखे, हम भी ऐसे भगवान की भक्ति करे और नौकरी चाकरी करे, पैसा कमाए और भगवान की भक्ति करे। बोलो हरे कृष्ण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालय
कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण 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 हरे राम अच्छा जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अब मेरे गुरुदेव शिला भक्ति वेदान शिला श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माताएं भाई बहन सबके चरणों में मेरा यथायोग प्रणाम। हरे कृष्णा। सो हम गुरु जी के मुखारविंद से यहाँ पे श्रीमद् भागवतम कथा श्रवण कर रहे हैं। कल भी हमने सुनी, आज भी हम सुन रहे हैं कि भागवतम कथा की महिमा क्या है। तो क्या है ये महिमा, मैं उसी के ऊपर थोड़ा सा बोलने का प्रयास करूंगी। ये जो श्रीमद् भागवतम कथा है इसके अंदर कितने श्लोक हैं? इसके 18,000 श्लोक हैं। और कितने स्कंद हैं? 12 स्कंद हैं। और अध्याय कितने हैं इसमें? 335 अध्याय है। ये इतना बड़ा गहरा सागर है, इतना विशाल का है ये ग्रंथ है। इसमें ये जो 18,000 श्लोक है ना, ये 18,000 श्लोक एक एक श्लोक प्रेम रूपी अमृत प्रदान करने के समान ही है। जिस तरह माचिस की डिब्बी में क्या होता है, एक एक छोटी से छोटी तिल्ली के अंदर क्या होता है, उसके अंदर इतना सामर्थ्य होता है कि वो पूरे संसार को जला करके भस्म करने की क्षमता रखती है। उसी प्रकार ये जो श्रीमद् भागवतम है इसमें एक एक श्लोक के अंदर इतना सामर्थ्य है कि वो हमारे जीवन के पूरे जन्मांतर के हमारे पापों को नष्ट करके हमें भगवत प्राप्ति कराने में एक सामर्थ्य है। इसके एक एक श्लोक में इतना सामर्थ्य है कि वो हमें क्या करेगा, भगवान की प्राप्ति कराने में ये सामर्थ्य है। ये है ये श्रीमद् भागवतम कथा की महिमा। अभी ये जो श्रीमद् भागवतम कथा है ये देवी देवताओं ये उन लोगों के लिए भी ये अति दुर्लभ है। कल हम गुरु जी के मुख से सुन रहे थे ना ये वाली कथा, मैं उसी में थोड़ा सा बोलने का प्रयास करूंगी। जब श्री सुत गोस्वामी जी ये कथा परीक्षित महाराज जी को सुना रहे थे, बस सुनाने ही जा रहे थे, तो क्या हुआ था, जब देवी देवताओं को पता चला कि ये कथा परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी सुनाने जा रहे हैं, तो वो स्वर्ग लोक से 33 करोड़ देवी देवता क्या अमृत कलश लेकर के सुखदेव गोस्वामी जी के समक्ष आ गए। उन्होंने सुखदेव गोस्वामी जी को प्रणाम किया और बोला, महाराज हमने सुना है परीक्षित महाराज जी को श्राप के कारण 7 दिन के अंदर तक्षक दंशन करेगा, तो हम सुखदेव को हम परीक्षित महाराज जी के लिए स्वर्ग लोक से अमृत कलश लेकर के आए हैं। तो उन्होंने बोला कि इस अमृत को परीक्षित महाराज जी को पिला दीजिए। वो 7 दिन में तो क्या, 7 जन्म में तो क्या, वो कभी नहीं मरेंगे, अमर हो जाएंगे। ये सुन के सुखदेव गोस्वामी जी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ, ये देवी देवताओं के चरण तो धरती में पड़ते ही नहीं है, ये तो बुलाने पर भी नहीं आते, आज बिना बुलाए कैसे आ गए ये। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस प्रकार अगर अभी कोई कथा में कोई बहुत ही बड़ा कंजूस व्यक्ति आकर के अचानक से 5 लाख रुपए दान कर दे तो हम लोग को क्या होगा, बड़ा आश्चर्य होगा ना कि कहाँ से ये 5 लाख रुपए दान कर गए। तो इसके पीछे तो कोई बहुत बड़ा स्वार्थी होगा जो इतने पैसे यहाँ पे अचानक से दान कर रहा है। तो उसी प्रकार सुखदेव गोस्वामी जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये देवी देवता अचानक से कहाँ से आ गए। तो उनको पता ही था इसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होगा। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने बोला, अगर आप ले ही आए हैं तो पिला दीजिए परीक्षित महाराज जी को। तो देवी देवताओं ने बोला, महाराज जी ये तो हम पिला ही देंगे, पर उससे पहले कुछ सौदे की बात कर लेते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी ने ये सुन के बोला, सौदा और मुझसे, मैं तो कपड़े तक नहीं पहनता, मेरे से क्या सौदे की बात कर रहे हो, मैं क्या तुम्हें दे पाऊंगा। तो देवी देवताओं ने बोला, बस छोटा सा सौदा, कुछ बड़ा सौदा नहीं है, छोटा सा है। तो उन्होंने बोला, बोलो। तो देवी देवताओं ने बोला, ये जो अमृत हम स्वर्ग से लेकर के आए हैं ये हम परीक्षित महाराज जी को तो पिला देंगे, पर आप क्या कीजिए, वो जो अमृत कथा रूपी अमृत आप अभी परीक्षित महाराज जी को पिलाने वाले थे, वो हम सभी देवी देवताओं को पिला दीजिए। तो इसको सुन के तो सुखदेव गोस्वामी जी बड़ा हंसे। उन्होंने बोला, मूर्ख देवताओं,
अगर तुम कांच का टुकड़ा लेकर के अगर जौहरी के पास जाओगे और बोलोगे इसके बदले मुझे मणि दे दो, क्या वो तुम्हें देगा? क्या नहीं देगा ना? तो उन्होंने बोला, कहां तुम्हारी यह तुच्छ अमृत और कहां मेरा ये दिव्य अमृत, इसकी तुलना तुम अपने तुच्छ अमृत से करने चले हो। तुम्हारा अमृत पान करके जीव भले ही अमर तो हो जाएगा पर कभी क्या होगा, अभय नहीं हो पाएगा। पर मेरा जो ये कथा रूपी दिव्य अमृत है, इसे पान करके जीव क्या होगा, जन्म जन्मांतर के लिए अभय हो जाएगा। तुम्हारी तुच्छ अमृत और मेरे अमृत की क्या तुलना है? तो ये जो कथा है, ये देवी देवताओं ब्रह्मा शिव को भी क्या करना पड़ता है, अपना लोक छोड़ करके इस लोक में आकर के करनी पड़ती है। तो हम सभी का बहुत सौभाग्य है कि हम गुरु जी की कृपा से यहाँ पे सोरखा गांव में कथा सुनने आए, गुरु जी की कृपा से हम कथा श्रवण कर रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इस कथा रूपी गंगा में खूब डुबकी लगानी चाहिए। ये अवसर बार बार नहीं आता, इसमें अभी खूब डुबकी लगा लो। ये जो कथा है, अभी गुरुदेव बता रहे थे कि ये जो कथा है ये बिल्कुल साधारण नहीं है। इस कथा में अगर आप आकर के सिर्फ बैठते हैं, अगर आपका दिमाग भी कहीं और है, खाली आप अगर आकर के बैठते हैं, उसमें भी जीव का बहुत कल्याण होता है। उसी इस सिर्फ कथा सुनने से तो कल्याण है ही है, पर यहाँ पे अगर आप आकर के बैठे उसमें भी बहुत बड़ा कल्याण है। इसके लिए गुरु जी एक बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं, मैं उसको सुनाने का प्रयास करूँगी। सत्यवती और सुमती, एक राजा रानी थे, देश के राजा रानी थे वो। तो सत्यवती और सुमती राजा रानी होने के बाद भी वो क्या करते थे, 24 में से 24 घंटा क्या करते थे, भगवान का भजन करते थे, कीर्तन करते थे, भगवान की सेवा करते थे। अगर थोड़ा सा ज्यादा समय मिले तो क्या करते थे, माला जप करते थे। और अगर थोड़ा सा और ज्यादा समय मिले तो क्या करते थे, राजा बैठ करके कथा सुनाता था और रानी बैठ करके कथा सुनती थी। तो एक दिन उनके राज में कौन आए, विमांड ऋषि आए। उन्होंने देखा, भैया देश के राजा रानी इतना ठाट बाट है इनके पास, ये क्या भगवान की सेवा कर रहे हैं, 24 में से 24 घंटा सेवा करते हैं, इतना क्या इनके अंदर भाव है, इसे क्या भाव है इनके अंदर, ये 24 में से 24 घंटा इतना प्रेम भगवान के लिए, ये कैसे है। तो अगर हमारे पास ज्यादा पैसा आ जाए तो हम क्या करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे ऐश करेंगे, और अगर हमारे घर में भगवान हो तो क्या करेंगे, एक नौकर लगा देंगे, चलो भाई तुम सब भगवान की सेवा करो, हम तो घूमेंगे फिरेंगे। पर वो तो राजा रानी थे देश के, फिर भी क्या करते थे, 24 में से 24 घंटा भगवान की सेवा करते थे। तो विमान ऋषि ने पूछा रानी से कि ऐसा कैसे है, कैसे इतना प्रेम है आपके अंदर। तो उनके पूछने पे राजा रानी ने बताया, महाराज आप संत हैं, वैसे तो हम ये बात किसी को बताते नहीं हैं, बट आप संत हैं तो हम आपसे ये बात बतला रहे हैं, क्योंकि संत से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हम ये पहली बार आपको ये बात बताने जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में वो क्या थे, उन्होंने बताया कि पूर्व जन्म में मेरा नाम था मालती और मेरी पत्नी का नाम क्या था, काली। मेरी पत्नी ने तो अपने पति की हत्या कर दी, तो उसको घर से निकाल दिया गया, और मैं भी कुछ कम नहीं था, पूरे पूरे तरह के दुष्कर्म करता था, हत्या चोरी गुंडागर्दी सब करता था। तो एक दिन मुझे भी क्या किया, घर से निकाल दिया। जब जंगल में हम दोनों घूम रहे थे तो अकेले समय नहीं कट रहा था, फिर हम दोनों मिले, तो वो कहाँ पे मिले, वशिष्ठ जी के आश्रम के बाहर मिले। तो जब वो वशिष्ठ जी के आश्रम के बाहर मिले तो वो पहले दोनों क्या करते थे, ये जीव की हत्या करके आहार संग्रह करते थे, पर जब वो वृद्ध हो गए, जब वो बूढ़े हो गए, तो उनसे क्या हो रहा था, और आहार नहीं इकट्ठा हो पा रहा था। तो उन्होंने देखा एक दिन आश्रम के बाहर बहुत ही भीड़ हो रही है, ऐसा क्या है जो यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पे वो गए, उन्होंने पूछा ऐसा क्या है, तो उन्हें पता चला क्या है, रामनवमी है, और 9 दिन तक क्या होगी वहाँ पे, कथा होगी, और कथा के बाद क्या मिलेगा, सुंदर सुंदर फलाहार का प्रसाद मिलेगा। तो उन्होंने बोला बढ़िया हो गया, अब 9 दिन तक तो हमें भोजन पता नहीं करनी है, सिर्फ कथा में जाकर के बैठना है, और उसके बाद हमें क्या मिलेगा, फलाहार का प्रसाद मिलेगा। तो वो 9 दिन तक वहाँ पे गए, जाते थे सिर्फ बैठते थे और प्रसाद खाते थे। तो जब उनकी मृत्यु हुई, जब वो यम महाराज जी के पास गए, तो यम महाराज जी ने चित्रगुप्त से बोला कि इनका कच्चा चिट्ठा खोलो,
क्या है, इन्होंने क्या किया है, क्या नहीं कर किया है, इनकी पूरी कॉपी किताब खोलो। तो जब उन्होंने खोला तो चित्रगुप्त ने बोला, इन्होंने तो जीवन भर खूब पाप करे हैं, बहुत ही पाप करे हैं, पर हाँ एक अच्छा काम भी करा है। क्या काम किया है? 9 भगवान की कथा सुनी है। तो ऐसा सुनते ही यम महाराज ने उनसे क्या कहा, इनके सारे पापों को काट दो। और सारे पापों को काट करके उनको कहाँ भेजा, 100 साल के लिए उन्हें ब्रह्मलोक भेजा। ब्रह्मलोक में उन्होंने बताया कि 100 साल तक ब्रह्मलोक में उन्होंने खूब ऐश्वर्य खूब सुखों का भोग किया। उसके बाद 100 साल के लिए वैकुंठ लोक भेजा, वहाँ भी उन्होंने खूब ऐश्वर्य का खूब सुखों का भोग किया। उसके बाद उन्होंने उन्हें कहाँ भेजा, 100 साल के लिए इंद्र और इंद्राणी बना करके इंद्रलोक में भेजा, वहां पे भी उन्होंने खूब सुखों का भोग किया। और उसके पश्चात अब 100 साल के लिए इस भारत में उनको मनुष्य का जीवन मिल करके भेजा है। तो वो बोले कि अगर हमने अनजान में सिर्फ भोजन खपाने के लिए अगर हमें इतना मिल सकता है, उन्होंने अनजान में किया, अनजान में कथा सुनी, तो अगर हम अनजान में अगर हमने कथा सुनी तो अगर हमें इतना मिल सकता है, तो अगर हम प्रेम पूर्वक भक्ति करें, भगवान का नाम करें, जप करें, तो हमें भगवान क्या कुछ नहीं दे सकते हैं। तो इस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि ये जो मनुष्य जीवन है ये अति दुर्लभ है। हम बहुत सौभाग्यशाली है जो हमें ये जीवन मिला है। तो हमें क्या करना चाहिए, एक भी मिनट वेस्ट ना करके भगवान का नाम करना चाहिए, कथा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो राजा रानी क्या करते थे, 24 में से 24 घंटा भगवान की भक्ति करते थे। तो हमें भी क्या करना चाहिए, एक ही क्षण नष्ट ना करते हुए भगवान की भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। बस यही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अच्छा कल करूंगा। जय जय श्री राम। आप लोग चाहते हो आपका सब बेटी ऐसे बने, कौन चाहते है हाथ उठा लो, कौन चाहते हमारे बेटी भी ऐसे पढ़ाई लिखाई करे, नौकरी भी करे, पैसा भी कमाए और भगवान की भक्ति भी करे, सब चाहते हो। अगर आप ऐसे चाहते हो, अगर भक्तों के साथ में अगर आप हम लोगों के साथ में जुड़ोगे ना, फिर आपको बच्चों को भी हमसे ऐसे बना देंगे, अभी काम करेंगे, धाम करेंगे, पैसा कमाएंगे और उसके साथ में भगवान की भक्ति करेंगे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। अभी हम लोग भागवत कथा श्रवण कर रहे थे। बोले ओम नैमिषे अनिमिषे क्षेत्रे ऋषयः सौनकाय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत। अभी ये भोर कलयुग आ गया। कलयुग मतलब क्या है, जहाँ पर केवल कलह लड़ाई, जहाँ बहु बहु में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है, पड़ोस में लड़ाई है, देश देश में लड़ाई, जहाँ पर केवल झगड़ा छोड़कर कुछ है ही नहीं। इसीलिए कलयुग बड़ा अधर्म का युग है, बड़ा पाप का युग है। अभी ये कलयुग को देख करके ये सौनक आदि ऋषियों ने पितामह ब्रह्मा जी के पास में गए, बोले ये कलयुग से हम बच्चे कैसे। बोले कोई चिंता मत करो, मैं अपना मन से एक चक्र प्रकट करके फेंकूंगा, ये चक्र जहां पर गिरेगा वहीं पर बैठ करके 7-8 भजन करो, तुम्हारे ऊपर में कली का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो चक्र जा करके नैमिषारण्य में गिरा। नैमिषारण्य में ही सौनक आदि ऋषि लोग बैठ करके 1000 सालों से यज्ञ कर रहे थे, वहां पर साधन भजन कर रहे थे, लेकिन मन में शांति नहीं मिल रहा था। एक दिन भगवत इच्छा से वहां पर श्री सुत गोस्वामी आए। जब देखा सुत गोस्वामी आए, बोले हमारा तो भाग्य जग गया, क्यों, आज संतों का दर्शन मिला। जब जीवन में संतों दर्शन हो जाए, क्या समझनी चाहिए, हमारे भाग्य जग गया, हमारी भाग्य, और ये संसार है, हमें दुख कष्ट नहीं भोगना है, हमारे सारे दुख कष्ट खत्म हो गया है। इसलिए उन्होंने उनका आसन दे करके बैठाए, उनका चरण धोए, चरण धोकर कहते हैं, हे सुत गोस्वामी, आप तो गुरु जी की कृपा से ही ये जितना वेद पुराण उपनिषद है सब कुछ अपने अध्ययन किया, और इसकी सार भी आप कृपा करके समझे। अभी ये कलयुग आ गया है, कलयुग का स्थिति कैसे है, बोले प्रायण अल्पायुष सभ्य
कला बस्मी जुगे जना मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य धुपद्रुता। कहिए कलि युग में प्राय करके लोगों का जो परमायु बहुत ही कम है, क्योंकि सत्य युग में लोग 100,000 साल जिंदा रहते थे। कितना साल जिंदा रहते थे? 100,000 साल जिंदा रहते थे। लेकिन जब त्रेता युग आ गया ना, एकदम नीचे उतर करके 10,000 साल हो गया। द्वापर युग आ गया तो फिर 1,000 साल हो गया। लेकिन जब कलि युग आ गया ना, 100 साल हो गया। कितना हो गया? अभी 100 साल में कोई जिंदा नहीं रहते। बोले क्यों नहीं रहते? बोले सब कुछ चीज हाइब्रिड से बनती है, हैं? कोई चीज असली नहीं मिलेगा। नाम पे लिखा होगा प्योर घी। एक समय अलीगढ़ में घी बन रहा था, तुमको पता है कैसे घी बन रही थी? केवल हाथी को गला करके सेंट डालकर घी बन रहा, वो पकड़ा गया। इसलिए लिखा होगा प्योर घी, लेकिन घी नहीं होगा तो प्योर चीज मिलेगी, है? अभी सब चीज में इंजेक्शन देकर के बना गए, इसलिए आपको कोई चीज प्योर खाने के लिए नहीं मिल रहा है। इसलिए धीरे 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 कलि युग में परमायु धीरे 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 घटता आ रहा है। 100 साल तक दे दिया, लेकिन अभी कब मृत्यु हो जाएगा? जैसे कोरोना आ गई, कितना लोग कोरोना में चले गए बताओ? इसलिए कलि युग में कब मरेगा, कैसे मरेगा, कोई बता नहीं सकते हैं। बोले प्रायण अल्पायु, फिर कलि युग में बोले मंदा सुमंद मतयो। कलि युग का जो जीव है, उनका जो मन है ना, वो स्वाभाविक रूप में खराब चीज में जाती है। फिर ये टीवी आ गया, पहले टीवी नहीं होता था, ये स्मार्टफोन नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होती थी। पहले लोग क्या करते थे? समय होता था, रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, भागवत पढ़ते थे। लेकिन अभी समय होगा तो क्या करेंगे? टीवी खोल कर बैठ जाओगे, करते भी नहीं यही काम, टीवी खोल कर बैठ जाओगे। अरे तो बच्चे लोग तो स्मार्टफोन लेकर के दिन भर स्मार्टफोन से ही पागल है। इसलिए कलि युग में कहते मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य। कलि युग में जीव का भाग्य भी बड़ा खराब है। अरे झुपद्रुता, झुपद्रुता मतलब क्या है? अगर माताएं, ध्यान देकर सुनो सब, अगर माताएं अगर भक्ति में आती हैं, अगर थोड़ी सी प्रभु का भजन करे, भक्ति करे, पति क्या बोलेगा? कौन सा बाबा जी के चक्कर में बढ़ गई, इसे तिलक कंठी तुमने क्या धारण कर लिया है? अगर भाई लोग अगर कथा में आकर के अगर थोड़ी भजन करे तो माताएं क्या बोलेगी? कोई काम धाम नहीं, जब जब गीता भागवत लेकर माला लेकर बैठ जाते हो। अगर बच्चे अगर प्रभु का भजन में आ जाए ना, बोलेगी ये क्या तेरे उम्र है भजन करने का, अभी से ये सब तिलक कंठी माला अभी से क्या धारण कर लिया। लेकिन अगर शराब पीता है ना, बोला हाँ वेरी गुड, खूब बढ़िया है, हैं? बड़ा अनुभव से शराब पी रहा ना, अगर बीड़ी फूंक रहे बहुत बढ़िया है, सिगरेट फूंकता है बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर गला में कंठी माला पहन लिया तो बोले ये क्या तेरे उम्र हो गया भजन करने की। ये कलियुग बड़ा खतरा युग, ये कलियुग है। इसलिए उन्होंने बोले अभी बताओ ये कलियुग में जीव का कल्याण कैसे हो, जीव का मंगल कैसे हो कलियुग में। तब उन्होंने उन्होंने सुत गोस्वामी को उन्होंने 6 प्रश्न किए है, और ये 6 प्रश्न का जो उत्तर है ना, ये श्रीमद् भागवत है। अच्छे तरह से सुनो, मन लगा कर रखिए, कल पहले मैं सबको पूछूंगा, जो बोल देगा ना उसको इनाम दूंगा। ये 6 प्रश्न किया है जिसमें पूरा ये भागवत जिसमें आधारित है। पहला प्रश्न है, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? याद रहे क्या प्रश्न है? आत्मा को देखो घर में जो कुछ करता हूँ किसके लिए? शांति सुख के लिए ना। शादी क्यों करते हो? नौकरी क्यों करते हो? दुकान मकान क्यों बनाते हो? शांति के लिए, इसलिए तो। लेकिन आश्चर्य बात है, सब कुछ करते हो शांति के लिए, घर में बहू नहीं, सबकी घर में बहू, हमारे घर में बहू नहीं, लेकिन घर में बहू आ जाए ना, शादी हो जाए, बोले हाय रे कैसे बहू आ गई, बात नहीं सुनती है। जब से बहू आई पता नहीं बेटा का कान में किया एक रात में मंत्र भी, दूसरे दिन बेटा का बुद्धि खाना पड़ गया है। इसलिए बेटा नहीं, बेटा आ गया तो हाय सुनता है बेटा। इसलिए आप देखना संसार में जो कुछ करते हैं किसके लिए? शांति सुख के लिए, इसलिए तो करते हो कि नहीं? लेकिन हो जाता है उल्टा, अगर थोड़ी समय के लिए कहीं शांति आ गई तो फिर वो कहीं गायब हो जाती है, वो कहीं चली जाती है। इसलिए लेकिन संसार में हम जो कुछ करते हैं आत्मा को शांति
कैसे मिलेगा, इसलिए इनका पहला प्रश्न है, है? दूसरी प्रश्न है, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है, क्योंकि जब तक हमें ठाकुर जी नहीं मिलेंगे ना, तब तक जीवन में हमें शांति नहीं मिलेगी। जब ठाकुर की कृपा मिलेगी हमें, ठाकुर जी की भजन करेंगे, तभी जीवन में शांति मिलेगी। ये मत समझो ज्यादा पैसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएगी, लोगों का मन में यही भावना होगा। अगर ज्यादा घर में पैसा होगा ना, शायद घर में शांति सुख मिलेगा। हैं, रावण का नाम सुने हो? रावण का घर कैसे थला? सोने की लंका, सब सोना सोना उसकी घर में है। हमारे घर में कितना होगा? 10 किलो होगा। कितना घर में सोना है? 20 किलो है, 100 किलो है, ना कितना किलो बोल दो। लेकिन उसका पूरा लंका ही सोना था, शांति नहीं थी। फिर हम क्या सोचते हैं, अच्छी कोई छोरी से शादी हो जाएगी ना, सुंदर जगह की करगी, फिर सुखी हो जाएगी। उसकी पत्नी का नाम थी मंदोदरी। मंदोदरी मतलब जानती हो? मंद मतलब होता है पतली, उधर मतलब कमर। वो विश्वकर्मा की बेटी थी, मैदान की बेटी, सबसे सुंदरी थी। इतने सुंदरी उसकी पत्नी थी, हनुमान जी जब माता सीता को ढूंढने के लिए पहुंचे ना, उन्हें तो मंदोदरी को देख करके भ्रमित हो गई, यही तो मां लक्ष्मी नहीं। फिर सोचते हैं अगर घर में एक सुंदर छोरा हो जाए ना, हाँ बेटा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। उसका बेटा का नाम था मेघनाथ। टीवी में देखे कि नहीं रामा? मेघनाथ जैसे 1 लाख बेटा, 1.25 लाख इसकी नाती थी, ऐसे घर उसकी थी। हैं, सारे देवा देवी को अपना काल को तो ऊपर में प्यार लगा करके बैठता था, सारे देवा देवी को घर में बांध कर रखा था। लेकिन स्वयं रावण कहता है कदा सुखी भवामि अहम्, जीवन में हम कब सुख मिलेगा, जीवन में हमें शांति कब मिलेगी, वो बेचैन सी। इसका मतलब है ये संसार में एक व्यक्ति को पास में जो कुछ होनी चाहिए अगर पूरा के पूरा हो जाए, बेटा बेटी नाती पोती पैसा रुपया सब हो जाए, लेकिन अगर प्रभु का भजन नहीं करे ना, कहते भैया शांति नहीं मिलेगी। इसलिए हरि विमुख कभी सुख नहीं पावा। गोस्वामी जी कहते हैं हरि से विमुख हो करके इसी जगत में रावण जैसे व्यक्ति को भी सुखी नहीं मिला, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति केवल चैन से रह रहा था। कौन चैन से रह रहा था? विभीषण केवल चैन से रह रहा था। इसलिए हनुमान तो पूरा लंका में आग लगा दी कि नहीं, लेकिन केवल एक व्यक्ति का घर में आग नहीं लगाया। किसकी घर में? विभीषण के घर में ही आग नहीं लगाया, लंका पूरा खत्म ध्वंस हो गई, लेकिन बच गया कौन? विभीषण बच गया। शिक्षा क्या देते हैं? अगर हम प्रभु की शरण में जाए, राम की शरण में जाए, कृष्ण की शरण में जाए ना, तभी तुम बचोगे। अगर उनकी शरण में नहीं जाओगे तो जितने तुम्हारे घर में पैसा क्यों नहीं हो, छोरा छोरी कितना कुछ नहीं हो, शांति बच नहीं पाओगे। इसलिए भगवान की भजन में ही हम केवल सुखी रहेंगे। इसलिए इनका दूसरी प्रश्न है कलयुग में भगवान को हम कैसे आसानी से पा सकते हैं? तीसरा प्रश्न है हमें भगवान की कृष्ण की सुंदर सुंदर कथा सुनाओ। चौथा प्रश्न है केवल कृष्ण कथा नहीं, उनकी जितने अवतारों का भी कथा सुनाओ। पंचमा प्रश्न है भगवान की अद्भुत जस हमें सुनाओ। और छठवां प्रश्न है भगवान जब ये जगत छोड़ करके चले गए, ये धर्म कलयुग में कहां पर उन्होंने आश्रय लिया? जब उन्होंने ये सब प्रश्न की प्रश्न सुन करके सोनका सुतो गोस्वामी बड़े खुश हो गए, बोले वाह कितना सुंदर तुमने प्रश्न की, जिसका उत्तर में केवल हमें हरि चर्चा ठाकुर की कथा सुनने को मिलेगी। बड़े प्रसन्न होकर के बोले पहले गुरु जी की चरणा की वंदना कर लेता हूँ, तुम्हारी प्रश्न का उत्तर देता हूँ। बोले बंदो गोरो पद पदो मा पराजा पराजा।
Hare Krishna, 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 Hare गोस्वामी सर्वप्रथम गुरु जी की चरण में प्रणाम की। बोले गुरु जी की चरण में क्यों प्रणाम की? कहते ना भगवान, जब तक गुरु जी की कृपा नहीं हो, गुरु गोविंद दो खड़े का के लाग पाऊं, बलि हरि श्री गुरु जी जो गोविंद दिए बताऊं। कहते अगर भगवान खड़े हुए, अगर गुरु जी खड़े हुए, सबसे पहले किसकी चरण में प्रणाम करेगी? कहते गुरु जी की चरण में, क्योंकि गुरु जी ही हमें भगवान की भक्ति की बात करेंगे, भक्ति की तरफ में गुरु जी हमें बढ़ाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु गुरु भवनी भी तरई न कोई, जो बिरिंचि शंकर सम होई। कहते ब्रह्मा शंकर जैसे बन जाओ, अगर जीवन में सदगुरु कोई ग्रहण नहीं करते हैं, संसार से पार नहीं हो सकते हो। इसलिए सबसे पहले उन्हें गुरु जी के चरण में प्रणाम किया। श्री गुरु जी महाराज की जय। इनका पहला प्रश्न क्या था? आत्मा को शांति कैसे मिले? सब ध्यान देकर सुन लो, ये करोड़ रुपया के प्रश्न है। क्योंकि जीवन में हम जो कुछ करते हैं ना, जीवन में शांति और सुख के लिए करते हैं, तब इसकी कैसे शांति मिलेगी यहाँ पर बता रहे हैं। बोले सबई पुंसान करो धर्म, जत भक्ति रभक सजे,
अहर्तुकी अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसीधति। बोले आत्मा को पूर्ण शांति कैसे मिलेगी? पूर्ण शांति जय आत्मा संप्रसीधति। संप्रसीधति मतलब क्या होता है? आत्मा को पूर्ण शांति कैसे मिलेगी? जैसे संसार में जगन्नाथ थोड़ी समय के लिए सुख आ गया, लेकिन थोड़ी देरी बाद में क्या देखते, फिर सुख कहीं चली गई, फिर सुख कहीं चली गई, फिर दुख आ जाती है। लेकिन यहाँ पर कहते हैं ऐसे कौन सा रास्ता है, जब एक बार सुख आए ना, कभी तुम्हारे जीवन में दुख आएगी नहीं, कभी जीवन में तुम्हारी दुख आएगी नहीं। बोले कैसे आएगी नहीं? बोले कब नहीं आएगी? बोले सबई हंसांग करो धर्म। जगत में जितने जीव है उसका जो सर्वश्रेष्ठ धर्म है क्या धर्म है? बोले भगवान को भक्ति करना, ठाकुर जी को प्रेम करना, ठाकुर जी की सेवा पूजा करना, यही जीव का परम धर्म है। क्योंकि हम जितने जीव है सब ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम ठाकुर जी के सब के सब बच्चे हैं। इसलिए कहते ना तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु स सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण तुम्हें तुम्हें सर्वम मम देवदेव। वो माता जी कथा सुना रहे थे ना, हम किसकी पुत्र है? हम वेदस्य पुत्र, सब भगवान की संतान है। लेकिन उनकी थोड़ा डांट पड़ गया ना, हमने मान कर घर छोड़कर चले गए और क्या करे, चाय की दुकान में बर्तन बन रहा था, बर्तन बन रहा था। लेकिन हम असली रूप में हमारे पिता कौन? अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक वो श्री बांके बिहारी हमारी पिता है, वो साधारण नहीं। लेकिन उनको बात नहीं सुनने का ना, तो वो क्या आदेश दिया है उन्होंने हमारे प्रति, क्या आदेश दिया है? देखो कृष्ण गीता में आदेश देते हैं, बोले मन मना भव, ध्यान देकर सुनो, अगर जीवन में शांति बनना चाहते हो बोले मन मना भव, कभी ये मन और किसी को मत दिया करो। बांके बिहारी कहते मन को मेरे को दो। बोले मत भक्त भव, भक्त किसका बनना है? केवल ठाकुर जी के, माम जाजी। बोले पूजा किसको करना है? ठाकुर जी को, माम नमस्कुरु। ठाकुर क्या कहते हैं? प्रणाम करना, तो किसको प्रणाम करना? मेरे को प्रणाम करो। बोले तुमको प्रणाम करने से क्या होगा? बोले माम एससी, तुम मेरे को पाओगे। बोले तेरे को पाने से क्या होगा? बोले मेरे को पाने से जीवन का जितनी समस्या दुख और कष्ट सब समाप्त हो जाएगी। और ये जो गांव है ना, ये गांव में मतलब देखा सब घर में लिखा हुआ जादव, जादव लिखा हुआ ना, कौन कौन जादव हाथ उठा बताओ, कौन कौन हाथ नहीं उठा सकते? तुम लोग जादव है ना, हाथ उठाओ, कौन कौन गांव में जादव है, जान दो ये जादव कौन है? ये सब कृष्ण के परिवार है। ये जो गुजर है ना, जब कृष्ण वृंदावन में थे हैं, उनको कहते गुजरे, यही कृष्ण गुजर थे। लेकिन यही कृष्ण जब मथुरा और द्वारका में जाते ही वो जादव वंशी है, कृष्ण जादव है। तुम लोग सब कृष्ण के परिवार के हो, किसके परिवार के हो बोलो, किसके परिवार? सब कृष्ण के परिवार जादव है। जब तुम उनकी परिवार के हो, वो स्वयं जादव कृष्ण कहते हैं, सब तुम मेरे बच्चे हो, बड़े भाग्य तुम लोग जादव हो, बड़े भाग्य से ये जादव वंश में घर में कोई जन्म ग्रहण करते, कृष्ण के वंश है सबके सब, हाँ सब कृष्ण की वंशधर तुम लोग हो, बड़े भाग्य से तुम लोग ये जादव घर में जन्म ग्रहण किए, करोड़ों करोड़ों जन्म का पुण्य से। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, हमारे जो भगवान कृष्ण तुम्हारे घर के जो मूल जादव कृष्ण जदुवंशी हैं, जदुवंशी तुम लोग सब जादव कृष्ण को भक्ति करनी चाहिए। उनकी भक्ति में ही क्या होगा, जीवन में शांति मिलेगी। आप बोलोगे हम तो उनको भक्ति करते हैं पर शांति क्यों नहीं मिलता है? लेकिन जैसे भक्ति करनी चाहिए ना, हम वैसे नहीं करनी चाहिए। भक्ति कैसे करनी चाहिए? बोले निष्काम होकर के, उनसे कुछ चीज नहीं मांगनी चाहिए। आप हमारे प्रभु हो, हम आपका सेवक है, हमारा कर्तव्य तुम्हारी भक्ति करना। लेकिन भक्ति को विनिमय में कुछ नहीं मांगनी चाहिए, उनसे कुछ चीज को प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। ठाकुर इसलिए तुम्हारी भक्ति करते हैं, हमें ये दो ये दो ये दो, नहीं, आप हमारे प्रभु और हम उनके सेवक, आपका सेवा करना ही हमारी धर्म और कोई धर्म नहीं। इसलिए निष्काम होकर के भक्ति करो।
और भक्ति कैसे होनी चाहिए, बोले निरंतर जमई। निरंतर जय मतलब क्या है, भक्ति निरंतर भक्ति होनी चाहिए। अभी वो बता रहे थे ना माता जी, घर में अगर रसोई बनाते हो किसके लिए बना रहे हो, ठाकुर जी के लिए। घर में झाड़ू लगाते हो कहाँ लगा रहे हो, ठाकुर जी के घर में। स्नान कर रहे हो क्यों स्नान करते हो, ठाकुर जी की सेवा करेंगे, ठीक है ना। हर काम को भगवान की भक्ति में जोड़ दो, किसी चीज को हमें छोड़ने का जरूरत नहीं, बस भक्ति हो गया, भक्ति हो गई। अगर हम ऐसे निष्काम होकर के भक्ति करेंगे ना, आत्मा को परम शांति मिलेगा। लेकिन अभी ठाकुर हमें मिलेंगे कैसे, ठाकुर हमें मिलेंगे कैसे, बोले कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय बताए। बोले कलयुग में ज्यादा परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं, घर में बैठ बैठ करके तुम्हें ठाकुर मिल जाएंगे। बोले कैसे, देखो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, बोले कलयुग के बलना कलयुग में क्या करना है, केवल ठाकुर ठाकुर का नाम जप करना और कुछ नहीं करना है। हाँ, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण, कोई बोल नहीं रहे हो, क्या चक्कर है। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके जैसे छत उड़ जाए, बोला हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। कलयुग में भगवान इसको द्वारा ही भक्ति, और कुछ करना नहीं पड़ेगा, केवल प्रभु का नाम से ही भगवान मिल जाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बोले नाम नाम कारी बहुधा, ठाकुर जी का कितने नाम है, कृष्णा गोविंद दामोदर, इतने ठाकुर का नाम। और निज शक्ति पत्रार्पिता, ठाकुर जी जितने सारे शक्ति अपना नाम में ठाकुर जी दे दिया, हरि से बड़ा हरि का नाम ही। बोले नियमित स्मरण नकाल, ठाकुर ये भी बताए, देखो मेरे नाम करने के लिए ऐसे नहीं, जब केवल तुम पवित्र रहो तभी मेरे नाम कर सकते हो, लेकिन जब अपवित्र रहोगे मेरे नाम नहीं कर सकते, ठाकुर ये भी नहीं बताए। पवित्र अपवित्र हर अवस्था में तुम ठाकुर जी की नाम ले सकते हो। लेकिन महाप्रभु दुखी होकर के बात कहते हैं, मैंने इतना सुविधा दे दिया लोगों को, कभी कैसे भी कर सकते हो, लेकिन ये कलयुग का जीव है ना, तब भी हरि नाम नहीं करेगा। बैठ कर उसकी बहुगी ऐसे करेगी, उसका बेटी ऐसे कर रही थी, उसको छोरा ऐसे कर रही थी, बैठ करके दुनिया की गप्पे मार लेंगे, बोलेगे थोड़ा हरि नाम कर, बोले समय कहाँ। इसलिए कहते हैं, बोले सुलभम भगवत नाम, ध्यान देकर सुना, भगवान ने ये नहीं बताए अगर तुम मेरे नाम जप कर दो पैसा देना पड़ेगा, ठाकुर ये भी नहीं बताए। सुलभम भगवत नाम जिह्वा च वशवर्ति न, करिए हमारी जो जिह्वा है ना ये हमारी बस में है, अगर जिह्वा को बोले ठाकुर का नाम कर, नाम करेगा। बोले तथापि नरक जानती, तब भी कलयुग का जीव नरक जा रहे हैं, ये बड़ा आश्चर्य की बात है। इसलिए क्या करो, भगवान की केवल नाम जप करो, प्रभु का नाम जप से हमें भगवान मिल जाएंगे। कलयुग में ज्यादा परिश्रम की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इसलिए हमारे बीच में हमारे एक जादव प्रभु बैठे, भी जादव प्रभु, प्रभु इधर आ जाओ, ये भी आपको कलयुग की जो महिमा के बारे में बताएंगे। हाँ देखो, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनो, ये गाँव के जो भक्त लोग बहुत अच्छे है, गाँव के जो माता लोग है ना,
और भाई लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक तो गांव में सब जादव है, हम भी वही कृष्ण को पूजा करने वाले, हमारे पुजारी कौन है, कृष्ण जादव है, कृष्ण हमारे। और हमारे आप लोग जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं और गांव के लोग कौन है, जादव है, गांव के लोग कौन है, ये सब के सब जादव है, हम जिनको पूजा भक्ति करते हैं ना, और उनकी वंशधर आप हो, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे हो। हाँ, लेकिन अब एक काम करना पड़ेगा, कल मैंने बताया था एक एक माताएं दस दस माताओं को लेकर के आए, आज लगता है कुछ कुछ माताओं को लेकर के आए हो, आज तो लग रहा है कुछ माताओं को लेकर के आए हो, कल भी ऐसी माताओं को लेकर के आना, अपना अड़ोसी पड़ोसी में सबको बोलना चलो भगवान की भागवत कथा सुनने के लिए चलेंगे। वो बच्ची बता रही थी ना, केवल उन्होंने 9 दिन तक तो केवल कथा में बैठे प्रसाद पाए तो उनको क्या फल मिला, उनको ब्रह्मलोक मिला, उनको रमा वैकुंठ मिला, स्वर्ग मिला, फिर ये पृथ्वी का राज्य तो उनको प्राप्त हुई, केवल अनजान में बैठी गई और कथा सुनकर केवल भगवान की प्रसाद पाए तो। इसलिए कल सब माताएं इतने भक्तों को लाना जिसमें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक एक माताएं पड़ोस में 10-10 माताओं को लाना, और किसको लाना मेरे को बताना, बोले बाबा ये माताओं को मैंने लेकर के आया, मैं देखूंगा कौन कितने लाए हो। देखो और एक काम करियो, देखो नियम है जो कथा में ना बीच में नहीं, कथा सुनने से पहले आनी चाहिए। हनुमान जी का नाम जानते हो, सुने हो हनुमान जी का नाम, कौन कौन सुने, हाथ को उठाओ तो कौन कौन हनुमान, सारा दुनिया हनुमान को जानते हो, जानते हो जब हनुमान जी कथा होता है वो बीच में नहीं आते हैं, लास्ट में नहीं आते हैं, कब आते हैं, कथा से सबसे पहले हनुमान आते हैं और बैठ करके हाथ जोड़ कर बैठते हैं, आंखों से आंसुओं को बहाते हुए गदगद होकर के भगवान की कथा सुनते हैं, हैं? फिर कथा जब समाप्ति हो जाता है सबको प्रणाम करते हुए, स्थान को प्रणाम करते हुए, कथा वाचक को प्रणाम करते हुए जाते हैं, नियम है कथा से पहले आनी चाहिए, ठीक है ना। देखो जैसे सिनेमा देखने के लिए जाते हैं ना, शो देखने के लिए कब जाते हैं, बीच में ना लास्ट में, बोलो कथा से पहले जाते हैं, सिनेमा स्टार्ट होने से पहले जाते हैं, पैसा देते हैं, धक्के खाते हैं, लाइन में लग करके पैसा देकर गंदी गंदी चीजों देकर के आते हैं और नरक का रास्ता खाली करके आते हैं, और यहाँ कथा सुनेंगे ना भगवान का वैकुंठ जाने का वृंदावन का रास्ता तुम्हारी खाली हो जाएगी। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए कोशिश करना थोड़ी देर, नियम है जो कथा वाचक जो कथा करते हैं वो आने से पहले नियम है कथा सुनने वालों को आ जानी चाहिए, ठीक है ना। और कल मैंने बताया था ना माताओं का सबसे बड़ा सर दर्द है घर में रोटी पानी, ये चीज है ना घर में, क्योंकि भूखे ना भजन हो गोपाला, लेकिन कथा को बाद में या तो प्रसाद ठाकुर को मिलेगा, कथा प्रसाद भी मिलेगा और भगवान का प्रसाद दोनों ही प्रसाद मिलेगा। इसलिए कल से ज्यादा ज्यादा भक्तों को लेकर आना और क्या करना, थोड़ी कथा से पहले कोशिश करना आने के लिए। हम लोग यहाँ 5 बजे ठीक बैठ जाते हैं, पहले पहले कैसे कथा होती है आपको पता है, जब सुना होगा 2 टाइम कथा होती थी, सवेरे 4 घंटा और शाम को 4 घंटा, और बीच में कोई भजन कीर्तन नहीं होता था, 4-4, 8 घंटा कथा होती थी, किसी तरह से ये भागवत पूरी होती किसी तरह से। और अभी कथा कितना 2-2.5 घंटा में, फिर इसमें थोड़ा भजन है और उसमें कथा, फिर कितना कथा होगी, हम चाहते हैं जितने जल्दी आओगे उतना आपको कथा सुना है, उतना जितना जब कथा हो ही रहे सब कुछ उन्हें व्यवस्था है, हम चाहते ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ मिले, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी प्रभु जी जीत प्रभु जी धरा दे, प्रभु जी आपको थोड़ी सी कथा सुनाएंगे हरि नाम बुलाए। ओम ग्राम के नाम से जीत सलाका चस गुरु में तुम ये तस्मी सी जय जय जीत प्रभु जी जीत धरा दे राधे काय तगाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तब भक्ताय वांछा कल्प रज कृपा संग पतित नाम पावन श्लोको नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिया द्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पीछे से नहीं बोले, एक बार आप जोर से हाथ उठा दो, क्या पता है अगला जो जीवन मिले हाथ मिले न मिले फिर क्या करोगे, पैर वाले होंगे तो क्या करोगे, मौका है ना हाथ में ले तो जोर से
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वत्रतम में नित्रीला उपरिष्ट अष्टोत्तरी श्रीमद् भक्तिवेदांत परम गुरुदेव के अभय चरण में कोटि कोटि बार नमन प्रणाम करता हूँ। उसके पश्चात संपूर्ण परंपरा के चरणों में कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ। व्यास पूज्य पाद श्रीधर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि बार नमन प्रणाम करता हूँ। अपने गुरु भाई और यहाँ जितने माता बहन आए सबके चरणों में बैठा यह प्रणाम है। हरे कृष्णा। देखो भाई ये सोचा आसन है ना, कल से एक चीज का ध्यान रखना। जैसे महाराज जी ने भी आप सबसे प्रार्थना कर रहे थे, जरूर जाके सौदा करना कि चाहे कल आओ चाहे दो शब्द सुन के जरूर जाओ। ऐसी पत्नी थी, वो अपने पति बिल्कुल नहीं आते थे कथा में। यहाँ के लोग भी कम आते हैं मुझे पता है, मैं भी नहीं गाऊं तो, लेकिन जब पत्नी प्रेस करेंगी तो जरूर आएंगे। उनको बोला केवल दो शब्द सुन के जाए फिर चले जाए। तो एक ऐसी पत्नी ने कहा कि अपनी पत्नी ने पति से बहस कर दिया, नहीं चलो। बोले ठीक है तू कह रही है तो केवल दो शब्द सुनना फिर आ जाऊंगा। तो आए, कथा स्टार्ट नहीं हुई थी, कीर्तन वाले स्टार्ट आए थे, महाराज जी आए नहीं थे जब तक। तो जैसे ही कथा स्टार्ट होने वाली थी तो मैंने कहा आ जाओ भाई आ जाओ, और कथा स्टार्ट करिए, आ जाओ भाई आ जाओ, दो शब्द हो गए। तो बोले भाई तेने दो शब्द के लिए कहा था, मैंने दो शब्द सुन लिया, मैं जा रहा हूं। अब वो चला गया। शाम को जब घर में सो रहा तो उसको याद आई मैं कथा में गया था तो दो शब्द सुने थे। अच्छा जब वो सो रहा था चोर आ गए, चोर आ गए घर के बाहर। जब चोर आ गए घर के बाहर, जो बाहर कथा में जो दो शब्द सुने थे, अभी महाराज जी की बात तो सुनी ही नहीं थी, जो हम जैसे बैठे थे उन्होंने कहा आ जाओ भाई आ जाओ, तो उसने कहा कथा में सुने थे आ जाओ भाई आ जाओ। चोर बोले लग रहा बुला रहा झगड़ा है, कथा का स्मरण हुआ था ना उसको, तो कहना आ जाओ आ जाओ स्टार्ट करेंगे। अब वो तो चोरी के लिए आए थे तो उन्होंने सोचा कि वो भाई ये तो जगह पड़ा है और बच गए, बच गया नहीं बच गया, बच गया नहीं बच गया। ऐसे ही कल जाओ सबको लेके आना है, महाराज जी करे नाम के ऊपर भागवत में एक कथा आती है अजामिल की, और अजामिल की जो कथा आती है भागवत में है तो लंबी, मैं शॉर्ट में बताता हूं। वो जन्म से तो ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और बीच में कुछ कर्म खराब हुए और वैश्या का संग किया, और वैश्या का संग जब किया तो उसका पतन हो गया। तो एक दिन साधु जा रहे थे, जैसे हम गंगा जी में जब जाते हैं तो यहां से जाना पड़ता है गंगा जी में जाकर के, जब हमारे पाप धुलते हैं, धुलते नहीं धुलते, लेकिन साधु की अगर दृष्टि पड़ जाए तो हमारे पाप वैसे ही धुल जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यही है अगर साधु का दर्शन हो जाए। अभी तुम देख रहे थे ना लाइट बार बार जा रही थी, क्यों जा रही थी, कनेक्शन अफरा था तभी तो जा रही थी। अगर हमें सुख चाहना है आनंद चाहना है तो जो आनंद में जो सुख में उनसे संबंध रखना पड़ेगा तभी तो कहीं ना कहीं मिलेगा। जो चीज जहां है वहां से अटैच होना पड़ेगा, कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा तभी तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। भगवान के नाम से, भगवान के भक्तों से, भगवान के नाम भगवान के भक्तों में इनमें कोई अंतर नहीं होता। तो अजामिल कर्म के हिसाब से पतन हुआ, वैश्या के साथ शादी करी। एक दिन महात्मा जा रहे थे तो उन्होंने कहा भाई रात में हमें रुकना है, कोई गांव कोई ऐसा घर बता दो ब्राह्मण का जहां रात को आराम कर सके। गांव में सब तरह के लोग होते हैं, मजाक वाले भी होते हैं, मजाक कर दिया। अजामिल अजामिल के यहां भेज दिया, अजामिल के यहां चले जाओ, लेकिन वो तो दुष्ट है, संग गलत हुआ, दुष्टता आ गई, दुष्टता आ गई। लेकिन पहले तो पूजा के लिए जो उसके पिताजी भेजा करते थे कि फल फूल लेके आ पूजा के लिए, तो जब उसने पूजा करी पहला जो था वो कभी छीण होता है क्या? भक्ति कभी छीण नहीं होती। भगवान भगवत गीता में कहते हैं नया विक्रम नाशवर्ती प्रतिभा नवदत्ते स्वल्पस्य धर्मस्य, एक श्लोक आता है भक्ति के बारे में भगवान बहुत अच्छे से बताते हैं उसको। लेकिन साधु जब किसी के घर में आ गए तो वो मंगल ही करके जाते हैं, इनका ये गुण है, इनका दर्शन व्यर्थ नहीं होता, इनका जो बाणी है वो व्यर्थ नहीं जाती।
साधु की वाणी भगवान तो शायद हम कभी बात नहीं करी होगी, भगवान के हम मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी ने कभी हमसे बात नहीं करी होगी, लेकिन ये महान साधु लोग बताते हैं, महाराज जी बताते हैं कि इनको क्या प्रिय लगता है और उनको क्या प्रिय लगता है उनको, हमें वो तो बताएंगे नहीं लेकिन ये बताते हैं, तब प्रेम बढ़ता है। रात में रुके साधु, उसने कुछ सामान दिया, प्रसाद बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, उन्होंने भी पाया और उनके परिवार को भी खिलाया। चलने लगे तो साधु का दर्शन हुआ, प्रसाद खाया तो बुद्धि में थोड़ा अंतर आया। अंतर जब आया तो बातचीत करने लगे, वो जानते हैं कि इसकी क्या स्थिति है, इसको कैसे समझाना है। उन्होंने कहा कि भाई सब ठीक ठाक तो है? हाँ सब ठीक ठाक है। बोले महाराज जी हमारी पत्नी इसके बच्चा होने वाला है। अच्छा तो इसका नाम नारायण रख देना। भाई एक काम करना, जब साधु आते हैं तो उनको प्रणाम ही देते हैं ना, दक्षिणा देते हैं नहीं देते? तो उन्होंने कहा भाई दक्षिणा में यही है, इसका नाम तू क्या रखना? नारायण रख देना। समय बीता, यम के दूत आए, आएंगे नहीं आएंगे? कोई बचेगा उनसे? किसी को नहीं छोड़ेंगे, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शरीर कब साथ छोड़ जाए ये भी गारंटी नहीं है, हमारे पास ये भी सर्टिफिकेट नहीं है, शरीर साथ छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा और कब छोड़ जाए इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जब जाना ही है शरीर, इस पर कभी भरोसा मत करना, भरोसा लायक नहीं है। इसलिए जब शरीर छूटा तो जो छोटा बच्चा होता है उसमें ज्यादा आसक्ति होती है, जिसमें हमारी आसक्ति ज्यादा होती है तो मन वही जाता है। जब वो छोटा था तो उसको खिलाते थे नारायण आओ खाओ, नारायण नहा लो, अरे नारायण कहाँ गए इधर आओ। जब यम के दूत आते हैं तो बड़ा भयानक होते हैं, दो आए उनको देख के डरा, जब डरा तो उसने अपने पुत्र को पुकारा नारायण नारायण नारायण, लेकिन नारायण नाम किसका है? भगवान का, वो तो रखा ही है ना, नारायण नाम तो नारायण का है लेकिन रखा है। तो वहां भगवान के पार्षद तीन प्रकट हो गए। देखो सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि जब यम के दूत आ गए किसी को छोड़ते हैं? नहीं छोड़ते। जब यम के दूत आ गए तो उन्होंने कहा भाई हटो छोड़ो छोड़ो इसको, तुम कौन हो? इसने लास्ट समय में हमारे प्रभु का नाम लिया है इसलिए तुम्हें इसको ले जा नहीं सकते। किसने मदद करी? नारायण। लेकिन किसने कह दिया था कि इसका नाम नारायण रखना? किसने कहा था? जो साधु लोग आए थे उन्होंने तो कहा था कि भाई इसका नाम, साधु ने कहा कि इसका नाम नारायण रख दो, उन्होंने नारायण रख लिया और नारायण रखा। जब यम के दूत आए तो वही नाम जब पुकारा तो विष्णु दूत आ गए और उन्होंने वहां विष्णु दूतों ने पिटाई करी यम दूतों की, जाने नहीं दिया, जाने नहीं दिया तो वो तो बड़ा पिटाई करी तो वही रह गया। अब यम के दूत यमराज महाराज के पास पहुंच गया। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि यम के दूत तो किसी को छोड़ते नहीं है, फिर छोड़ कैसे दिया? उसके बाद उसने भजन भी किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान साधु के दर्शन, भगवान के जो पार्षद हैं उनका दर्शन करने से हमारी आयु लंबी हो जाती है। हमारी आयु कैसे बढ़ती है? लंबी बढ़ जाती है। हम 10 साल में मरने वाले हैं तो और 5-7 साल ले जाएंगे। तो वहां जाकर के इन दोनों में संवाद हुआ। जब संवाद हुआ तो उन्होंने कहा कि आज तक हमको तो पिटाई भी हुई, हम तो आपको भगवान समझते थे और उसको हम लेके नहीं आए। जैसे उसने नारायण शब्द अपने मुख से उच्चारा तो तीन प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में और उन्होंने हमको मारा और हमको भगा दिया, हमको लाने नहीं दिया। आज तक हमारी इतनी बेइज्जती कहीं नहीं हुई जितनी बेइज्जती वहां हुई आपकी, हम तो आपको भगवान समझते थे। तो जब यमदूत ने ये सुना तो यमदूत ने आदेश दिया, सुनो, उन्होंने क्या नाम लिया? नारायण। तो नारायण का नाम लेते ही कहा कि भाई जो जिसके मुख में भगवान का नाम हो, माथे पर तिलक हो, गले में कंठी हो, सिर पर शिखा हो, देख लेना। अगर भूल से भी चले गए, अगर ये चिन्ह मिल गए तो उनके पास मत जाना, वो तुम्हारे ग्राहक नहीं है।
वो किसके सेवक हैं? भगवान के सेवक हैं। भगवान के सेवक के पास तुम नहीं जा सकते, वहां तुम्हारी चलेगी नहीं, चाहे कितनी भी ताकतवर हो। इसलिए फिर उन्होंने जब ये संवाद चल रहा था ना कि भाई तुम नहीं ले जा सकते, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने भगवान का नाम लिया है। तो ये सब सुन रहा था कौन? अजामिल। तो अजामिल ने सोचा, अरे अब तक तो मैं कहाँ फंसा था, पत्नी बच्चे वैसा उनमें लगा हुआ था, नाम की इतनी बड़ी महिमा है, इस नाम ने तो मुझे बचा लिया। जब नाम ने बचा लिया तो उस व्यक्ति को बोलो भाई तू क्या करेगा, फिर दोबारा जाएगा भोगों में? नहीं जाएगा ना। तो ऐसी अगर हमें यमदूतों से अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम लेना पड़ेगा। और किसके मुख से लेना पड़ेगा? किसके मुख से? जैसे बंदूक की गोली होती है ना, ऐसे करके किसी के सर में मारो कितनी मरेगी, और बंदूक में डाल के मारो तो काम तमाम, करेगी नहीं करेगी काम तमाम। ऐसी साधु के मुख से शरण में जाओ, फिर नाम लो, फिर उस नाम को हृदय में करो, जैसे वो बता रहे हैं वैसे जपो। जब तुम जपोगे तो यम के दिन तुम्हारे पास आने वाले नहीं है। फिर आपके जो गुरुदेव हैं उनकी जिम्मेवारी आपको यमदूतों से बचाना और भगवत प्राप्ति कराना। आप लोग बड़े भाग्यशाली हो, श्रोता वाले इतना बड़ा नाम है, कितने लोग आए, भाग्य तो हो गया समझ लो। इस आज तुम पे अगर जीवन में ये अगर समय निकल गया ना, फिर तो कौन आएंगे पकड़ने? यम के दूतों से बचना है तो अपने पतियों को बच्चियों को लेके आओ। ऑफर चल रहा है, मौका है, और फागुन भी चल रहा है, मत छोड़ो। नहीं तो फिर भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाना है, यम के दूत आएंगे वो तो काम करेंगे करेंगे। उम्र का सर्टिफिकेट तो किसकी नहीं है, अमर तो कोई रहेगा ही नहीं, मरना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है ना। और जैसे ये जो नाम के महिमा है ना, दो भाई थे तो एक भक्त था, एक नाम ही नहीं लेता था। जब नाम नहीं लेता था तो उसने कहा गुरुदेव, जैसे अभी मैं एक चीज बता रहा था ना कि जैसे अगर लाइट चाहिए तो लाइट से कनेक्शन होना पड़ेगा जलेगा, ऐसी जब हमारा भाग्य उदय जब होता है तो अगर कोई हमें साधु मिल जाए या भगवान के भक्तों के अगर भक्ति भी मिल जाए, कहीं अटैच भी हो जाओगे तो क्या करेंगे? तुमको खींच के ले जाएंगे, चलो महाराज जी के पास बार बार ले जाएंगे। हमारा सच्चा हितैषी कौन है? जो हमें भगवान से जोड़े या साधु से के पास ले जाए। साधु के पास ले जाओगे, कोई ले जाएगा तो क्या होगा? वो भगवान से जोड़ देंगे। तो जगत में अगर कोई सोचो कि हमारा सच्चे हितैषी कौन है, जो हमें भगवान से जोड़े, समझ लेना यही हमारा हितैषी है। बाकी कहेगा प्रभु जी आ जाना बारात में चलेंगे, एक आध बोतल चल जाएगी, क्या हो गया। मैं इस गांव में कई बार आया हूँ, एक तो शादी में भी आया हूँ, खूब चलती है। चलती है नहीं चलती? बहुत चलती है, बहुत पी गई, कोई नशा हुआ उसका, अब पी लो आज पी लो फिर उतर गई। वैसे तो ऐसे जो बोले 33-35 साल से पी रहे, नशा रहा उनका, डेली पीते हैं डेली उतर जाती है, डेली पीती है डेली उतर जाती है। अरे ऐसे पीने से ना हो गया, यहाँ ले आओ, यहाँ का एक बार नशा चढ़ गया ना फिर नहीं उतरेगा। तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। अगर अगर वास्तव में अगर नशा चढ़ाना है तो ले आओ, मौका है अभी, आज 6 दिन है भाई, बहुत होते हैं 6 दिन, एक दिन तो ले ही आओ जैसे तैसे। तो अभी मैं जो बता रहा था, दो भाई थे तो एक तो भजन करता था, एक भजन नहीं करता था, दुष्ट था, पीता भी था। तो और सरल रास्ता देखो, अब वो नहीं आएगा तो साधु पे आ जाते हैं, ये तो कृपालु होते हैं, साधु को घड़ी ले जाओ। उसने कहा महाराज जी अगर किसको इच्छा होगी ना हम लोगों को बुलाने के लिए, बोले बाबा लोग घर में आओ, हम घर घर में आते हैं, ठाकुर का कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं, जिस घर में संत आ जाए चरण पड़े, घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो ना, वो घर घर नहीं रह जाता, वो घर भगवान का धाम बन जाता है। इसलिए हम भी घर घर में जाते हैं, भगवान का कीर्तन कथा करते हैं। इसलिए अगर किसकी ये गाँव में इच्छा होगी, आप लोग अगर हमको निमंत्रण करोगे हमारे घर में आओ,
हरि कीर्तन करो, भगवान की कथा सुनाओ, हम भी आते हैं, सबको बैठा करके समझाते हैं, भगवान का भजन करो, भक्ति करो, जीवन बड़े भाग्य से मिले। और संत घर में आ गए तो घर नहीं रह जाएगा, तो भगवान की धाम बन जाएगी। जिसकी इच्छा होगी हैं हमारे घर में, आप लोग आओ हरि कीर्तन करो, हम आपके घर में आएंगे। कौन कौन बुलाओगे? कोई बुलाओगे? हाथ उठाओ, कौन बुलाएगा? वाह वाह, ये गाँव के लोग बहुत अच्छे हैं सबके साथ। ठीक है, सबके सब बुला लेना, ठीक है। और तो 5 दिन ही है, 5 दिन में कोशिश करना बुलाने के लिए। और यहाँ पर हमारे जीत प्रभु जी है और कालू प्रभु जी है, हैं? अगर बोलोगे तो तुम्हारे घर में आ जाएगी, ठीक है। सबके सब बुलाना। अब वो जुड़ गया, उसने कहा ये तो जाता नहीं है, वो तो जाएगा नहीं, वो ही गुरु जी को लेगा घर में। बोले गुरु जी इसका भी मंगल करो, ये कभी नाम नहीं लेता, ठीक है। अब उसको पता लग गई गुरु जी आ रहे हैं, तो अंदर से कुंजी बंद कर ली, कमरे के अंदर घुस गया। कीर्तन कथा हुआ, गुरु जी से बोला गुड्डे इनका भी कल्याण करो। गेट खटखटाया, बड़ा मुश्किल से गेट खोला, बोले तो नाम ले, बोल हरे कृष्णा बोल। अब बोले नहीं बोलूंगा, हरे कृष्णा बोल नहीं बोलूंगा। तो गुरु जी ने उसको गर्दन पकड़ के दबा दिया। अब घबराने लगा, बोला के बोल हरे कृष्णा बोल के, नहीं बोलू क्या, नहीं बोलेगा, हरे कृष्णा नहीं बोलूंगा। अब बोल दिया ना, इतने चतुर होते हैं, देखो बोलवा दिया। फिर कहा कि तेने बोल तो दिया एक नाम, लेकिन सबको भी बेचना मत। समय के हिसाब से वो ही काल आया, काल तो किसी को छोड़ेगा ना भाई, जाना तो सबको पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो परसों, ये तो सिस्टम है। इसलिए यम के दूत आए, देखे यम महाराज ने देखा, अरे इसने कभी जीवन में कुछ किया है? कहा एक साधु के मुख से, एक साधु ने इनके मुख से एक बार कृष्ण नाम बुलवाया। तो बोले एक बार कृष्ण नाम साधु के मुख से सुनाया इसने, कहा और बोला है, तो इसका पुण्य क्या होगा? तो यम महाराज बोले मुझे तो पता नहीं है भाई इसका पुण्य क्या होगा, नहीं पता। तो बोले भाई चलो तो फिर ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, हमारे पिता है ब्रह्मा जी, उनको पूछते हैं। बोला भाई जहां मर्जी ले जाओ, हम तो पैदल चलने वाले नहीं है, ले जाना है तो कंधे मिला के ले जाओ। अब यम और दोनों यमुनी पर ले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास ले गए तो ब्रह्मा जी ने देखा, रहे ऐसी कौन सी पुण्यात्मा है जिसको कंधा पर बैठा के लेके आ रहे। बोले आओ 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 यम, आओ, बड़ा स्वागत किया भैया, ऐसी कौन सी पुण्यात्मा है इसने कि कंधा पर बैठा कर आप लेके आ रहे हो? कई पुण्यात्मा नहीं है, फिर क्या है कि इसने पूरे जीवन तो पाप किए हैं, एक बार कृष्ण नाम लिया है, एक बार जब कृष्ण नाम लिया है तो हमें, मुझे तो पता ही नहीं है कृष्ण नाम की, क्या इसको फल दो? ब्रह्मा जी बोले मुझे भी पता नहीं है भाई कृष्ण नाम के फल क्या। तो बोले एक काम करो, चलो शंकर जी के पास लिखते। बोलो भाई जहां मर्जी ले जाओ, लेकिन पैदल चलने वाला दुनिया ब्रह्मा जी और यमदूत यम महाराज दोनों उसको लेके जा रहे हैं। शंकर जी ने देखा होगा जिसको ब्रह्मा और लेकर के आ रहे हैं, कितनी पुण्य आत्मा होगी, आओ आओ स्वागत किया। स्वागत किया तो बोला, उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी बात है, इसने एक बार कृष्ण नाम लिया, इसका फल क्या है? बोली जी बोली इसका तो मुझे भी नहीं पता भाई, तो चलो जिनका नाम है उनके पास चलते हैं, जिनका नाम है उन्हीं के पास चलते हैं। जब उनके पास गए देखा तो ब्रह्मा शंकर यम लेकर के आ रहे हैं, भगवान ने स्वागत किया, आओ आओ भाई ऐसी कितनी पुण्यात्मा को लेकर आ रहे हो, उसे सारे के सारे कंधे पे बैठा करके लेकर आ रहे हैं। तो बोले प्रभु ने पुण्यात्मा नहीं है, एक बार आपका नाम लिया है, उतार के भगवान ने गोदी में बैठा लिया उसको। बोले कि एक बात बताओ, इसने एक बार नाम लिया है, इसका फल क्या देंगे? तो भगवान ने कहा कि जो एक बार भी किसी साधु के मुख से कोई एक बार भी अगर नाम ले ले तो उसका फल यह है कि वो मेरी गोदी में आके बैठ जाता है। तो नाम की ये महिमा है। बोले वृंदावन भाग्य रानी नाम की जय, एक बार जोर से नाम ले लो भगवान का, फिर में अपनी वाणी को निकाल, बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो गुरु महाराज की जय, राम साहब का फल उसके पास नहीं जाता, तो कितना पावन दे पैसे दे दो ना। बोले बोलो
वंदना मतलब सीधा बोलो। हाँ भाई, सभी लोग एक बार हाथ उठाकर बोलिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। देखो, जब श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होने जा रही थी उससे ठीक 4-5 दिन पहले 7 तारीख को हम लोग इस गांव में नगर संकीर्तन किया था, आप लोग जानते हैं। और सब घर में गए बुलाने के लिए, कीर्तन के माध्यम से आप लोग आओ, भागवत कथा हो रही है इस गांव में। और पूरे गांव में घूमे, 2 घंटे घूमे और फिर कलश यात्रा की, फिर भी पूरे गांव में घूमे सबको निमंत्रण देने के लिए। तो जैसे महाराज जी बता रहे थे, अभी एक बच्ची बता रही थी, ये जो भागवत कथा है ये देवताओं के लिए दुर्लभ है। तो सच में ऐसी अनुभूति होती है। तो हम लोग देख रहे थे, गांव बहुत बड़ा गांव है और मंदिर में जहाँ कथा करा रहे हैं वो तो बहुत छोटी जगह है, हम ये सोच रहे थे। परंतु सच में ये पता लग रहा है, ये बहुत, ये देव जो कथा है इसमें हर कोई व्यक्ति नहीं बैठ सकता। और जो लोग माताएं लोग आई हैं समय निकाल कर, वो बहुत पुण्य आत्मा है, कथा में आना ही, चाहे कथा समझ में ना आए, जो लोग आप लोग आए हो आप बहुत पुण्य आत्मा हो। पर एक काम और करना है, जब कोई अच्छा कार्य हो रहा हो ना तो अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार सबको बताना चाहिए कि क्या है, यहाँ पर भागवत कथा हो रही है, आप सभी लोग यहाँ पर आए। और गुरु जी ने बोला 6 दिन है, अब 5 दिन बचे, इधर बचे, अब 5 दिन बचे, 1 दिन ही कम हो गया। इसलिए याद रखो, कल सबका कार्य है भगवान की सेवा है। जैसे महाराज जी बताया, सब जितने गांव में जो लोगों को पता नहीं लगी है वो कभी एक बार आके तो देखो। तो लोग, आप लोग सब क्या है, कथा में सबको लाना। दूसरी बात, इस कथा में एक बार एक घड़ी गांव में कथा हुई थी। जब कथा होती थी माताएं क्या करती थी, कथा होने से पहले बहुत सारी गांव की माताएं आ जाती थी और पंडाल की सफाई करती थी, झाड़ू लगाती थी, आदि आदि परिक्रमा करती थी, प्रणाम करती थी। तो आप लोग भी सेवा कर सकते हो, जैसे यहाँ पर सामने ना महाराज जी के आने से पहले 3 बजे को सफाई भी कर सकते हो, और वहां पर जैसे दूध चढ़ाते हैं, मक्खियां होती हैं, तो वहां फिनाइल का पोछा भी लगा सकते हो। आप लोग ये सेवा करेंगे, भागवत में बहुत फल इसका मिलेगा। और तीसरी बात जो है, इस कथा में रोज कोई ना कोई व्यक्ति प्रसाद देता है। आज जो प्रसाद की व्यवस्था की है, हम लोग क्या, हम लोग कब आते हैं, कोई 5 बजे आता है, कोई 6 बजे आता है, कोई 7 बजे आता है, और कोई ठीक प्रसाद के टाइम पे 8 बजे आता है, कोई 8:30, पर कुछ भक्त लोग पहले आ जाते हैं। कोई आलू लेके आता है सुबह 10 बजे, कोई टमाटर लेके आता है, कोई घी लेके आता है, कोई तेल लेके आता है, और हमारे हलवाई भैया भी पहले ही आ जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, सब लोगों को प्रसाद बांटते हैं, सबसे लास्ट में पाते हैं और सबसे लास्ट में हम जाते हैं। तो आप लोग भागवत में जितना लूट सकते हो उतना आप लाभ उठा सकते हो। और इस भागवत कथा में कहाँ कहाँ से लोग आए, देखो वो व्यक्ति खड़े हॉलैंड से आए, मतलब हॉलैंड का यूरोप में 50,000 इनका टिकट लगाया, उन्होंने पता लगा महाराज जी का भागवत कथा हो रही है और इनके 2 बेटे आए हैं बैठे हैं, ये हॉलैंड से आए हैं। और जब बच्ची कथा कर रही थी तड़प रही थी, कब मैं संडे हो, मैं जाऊँ, ऑफिस में काम करती है। और एक विशाखा दीदी थी, वो इतना दूर से आई है, ग्रेटर नोएडा से, कहाँ 25-30 किलोमीटर है, आपका घर कितने पास में। इसलिए हर कोई इस कथा में नहीं आएगा, पर फिर भी आप इसकी महिमा समझो। इतना मोहन नगर से लोग आए हैं, 10-12 लोग, कोई हापुड़ से लोग आए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं। इसलिए आप इसका लाभ उठाइए। और जो आज के प्रसाद की व्यवस्था है वो हमारे कालू भैया के जो भाई हैं अजय भैया, इनकी पत्नी सविता दीदी, इनके परिवार के माध्यम से फिर प्रसाद की व्यवस्था नहीं की इन्होंने, महाराज जी को रेलवे स्टेशन से लेकर आए। और रोज महाराज जी को मंदिर है हमारा, सेक्टर 12 है, वहां से पहले पहुंच जाते हैं, 1 घंटे पहले रोज महाराज जी को लेके आते हैं। और मैंने देखा किसी किसी कथा में हमें नेटवर्क की दिक्कत होती है, तो हमने इनसे ऐसे कहा था वाईफाई हो तो बहुत बढ़िया है, इन्होंने पूरी लाइन खिंचवा दी। भागवत में वाईफाई की लाइन यहाँ पर ऐसे मैंने कहीं नहीं देखा। तो ये दोनों भाई बहुत सेवा करते हैं। और कालू की तो मैं बताऊंगा बाद में, अभी समय नहीं है। पर जो अजय यादव है और इनकी जो पत्नी सविता, ये भी महाराज जी की बड़ी इन्होंने सेवाएं की है। आज आएंगे कथा के समय, आरती के समय महाराज से आशीर्वाद लेंगे। और आप प्रसाद बढ़िया ने अवश्य नहीं थी, ताली बजा रहे हो, जितना प्रसाद इतना गरम गरम अच्छा बनाया उतना जोर से ताली बजाइए। हाँ, और आप लोग भी कोई भी
ऐसा नहीं है कि लोग हम ही सेवा कर सकते, कोई भी खुल के सेवा कर सकता है। कोई आटा दे सकता है, कोई तेल दे सकता है, कोई चावल दे सकता है, कोई घी दे सकता है, कोई दूध दे सकता है। जो भी आप भागवत में भंडारे में सहायता करेंगे आप लोग दे सकते हैं। आप सबका स्वागत है। और 5 दिन और एक महाराज जी ने अनाउंसमेंट किया था, आप लोग हमको घर में बुलाना चाहते हैं तो हम आपके घर में आएंगे और कीर्तन करेंगे। तो उसके लिए ऐसा कभी कभी ऐसा होता है लास्ट के दिन सारे लोग बुलाते हैं, तो जितना जल्दी बुकिंग करा देंगे ना, 5 दिन है, जैसे आज आ जाएंगे, कल है हमारे पास, परसों है, लास्ट के दिन ही सभी कहेंगे तो संभव नहीं हो पाता। तो आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और भी भक्त लोग हैं जो अपने घर में बुलाना चाहें। घर में संतों के चरण पड़ने से क्या होता है, बहुत मंगल होता है। बहुत सारे भक्त लोग हैं जो पहले बहुत शराब पीते थे और आज प्याज लहसुन भी छोड़कर भगवान का भजन कर रहे हैं। तो आपके घर में मंगल आएगा, शांति आएगी, आनंद आएगा, सुख आएगा। तो कोई भी अपने घर में कीर्तन कराना चाहते हैं तो हमें जल्दी से जल्दी बताइए। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की। अभी ठाकुर जी आरती होगी, आरती होने से पहले प्रभु जी के एक सुंदर भजन सुनाएंगे, और हो सके अगर ज्यादा समय रुकोगे तो प्रभु जी सुनाएंगे। और खूब नाच कूद करके अच्छे तरह से नाच लो, भूख भी लगेगी, प्रसाद भी तैयारी है, इसलिए एकदम प्रसाद खा करके सबके साथ जाना, ठीक है। अभी सबके सब खड़े हो जाओ और कीर्तन में खूब नाचना, घी भर करके प्रभु जी बढ़िया जो दूर से हमारे भक्त लोग आए तो प्रसाद बात भी जाने सर बड़े श्री लाला संकीर्तन करेंगे, मस्ती झूठ खाली सेवा करते हुए नाचना भी है। Thank you.
I'm gonna make you mine.
Maria,